Yeah, that's what's worth a lot of it. ये नंबर 3 तेरा फोन का ये कल वाला समझ आ गया सर था, देख के बताइए कौन सा क्वेश्चन किया था। एनवीडिया ये अगर डिलीवरी कॉस्ट दी हो तो इसमें शामिल करेगा, डिलीवरी कॉस्ट अगर गिवन होगी किसी क्वेश्चन में तो उसमें शामिल करेगा। ठीक है भैया सर, ये भी कैलकुलेट करते हैं। जी सर, ये पेज नंबर 304 में गलत, अल्फा मोटर्स के नाम से क्वेश्चन था। अल्फा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड यूजेस अ स्पेशल गैस्केट फॉर इट्स ऑटोमोबाइल्स व्हिच इज परचेज फ्रॉम अ लोकल मैन्युफैक्चरर। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन मेड अवेलेबल बाय द परचेज डिपार्टमेंट। प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट किसे कहते हैं? एनुअल रिक्वायरमेंट इज 1,62,000। कॉस्ट पर गैसकेट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कैरिंग कॉस्ट पर गैसकेट। द गैसकेट्स आर यूज्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। द लीड टाइम फॉर एन ऑर्डर इज नॉर्मली 11 डेज, बट इट कैन टेक एज मच एज। जो कल क्वेश्चन किया था ना उसमें और इसमें फर्क ये है, नेक्स्ट पेज पे जाएगा, नेक्स्ट पेज देखना। अनलिमिटेड वाला था इधर, दोबारा इसमें जो डिमांड थी ना बहुत ज्यादा अनसर्टेन थी, इसकी प्रोबेबिलिटीज नहीं होंगी। पेज नंबर 305 सर, डिमांड्स की प्रोबेबिलिटी दी हुई थी और लीड टाइम जरा ढूंढे, 1 मंथ का कांस्टेंट था लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में लीड टाइम जरा वेरिएबल हो गया। इस टाइम कम कहाँ से कहाँ तक जा सकता है? डिलीवरी टाइम एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर अकरेंस आर गिवन बिलो। क्लियर कर लीजिए, उसमें और इसमें फर्क ये है कि वहाँ जो डिमांड थी ड्यूरिंग द लीज टाइम उसकी प्रोबेबिलिटीज दी हुई थी और यहाँ डिलीवरी टाइम की प्रोबेबिलिटीज दी हुई। तो 11 डेज में डिलीवरी के चांसेस कितने हैं? एंड सो ऑन 12, 13, 14 और 15%। इस टेबल को जरा दोबारा देखना, अगर फॉर एग्जांपल आप 10 डेज का स्टॉक रखेंगे तो क्या आप 100% रिस्क ले रहे हैं? और अगर 11 डेज का रख लेंगे, कैलकुलेट करें कैलकुलेट करें, अगर आप 11 डेज का स्टॉक रख लेंगे तो 68% रिस्क कवर हो जाएगा। अगर आप 15 डेज का स्टॉक रख रहे तो 4% भी कवर होता है, तो 100% इस कवर होता है। अगर हम 15 दिनों का स्टॉक रख के ऑर्डर करेंगे तो फिर वी आर टेकिंग 0 रिस्क। देखने जरा, अगर हम विलिंग है 10% रिस्क लेने में तो हम कितने दिनों का स्टॉक रख लेंगे? देखें देखें कंसंट्रेशन से, अगर हम 10 दिनों 10% रिस्क लेना चाहते हैं तो फिर हम कितने दिनों का रिस्क, कितने दिनों का स्टॉक ले रखें? अगर हम 11 डेज का स्टॉक रखते हैं तो 68% रिस्क कवर हो जाएगा, 12 डेज का रखेंगे तो 80% रिस्क कवर हो जाएगा, 13 डेज का स्टॉक रखेंगे तो 10% और मीन्स 90% कवर हो जाएगा। नहीं, तो अगर हम 14 डेज का स्टॉक रख लेंगे तो फिर हम कितने परसेंट रिस्क ले रहे हैं? बस फिर 4% है, 4% अभी नहीं रह जाएगा, 6% भी कवर हो जाएगा। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स चलिए पहले तो एक सिंपल सा वर्किंग कर लें, ईओपी निकल कर लें, ईओपी और ऑर्डरिंग कॉस्ट।
ओके इसमें सेंटेंस और देखें, अजीम 360 डेज अ ईयर, आम हालात में कितने दिन लेंगे आप? करवाएं तो देखें यूपी का फॉर्मूला करने का, कॉस्ट पर ऑर्डर बता दें सर, ढूंढने जरा चीज़ 27 था, एनुअल डिमांड गिवन है, होल्डिंग कॉस्ट पर गैसकेट दी हुई है, अगर इंफॉर्मेशन नहीं है तो आम हालात में यही ज्यूम करें पर एनम अनलेस बताया पर मंथ है पर क्वार्टर, ठीक है करें सर। यूनिट्स का मीनिंग क्या है? ऑर्डर साइज का मीनिंग क्या है? जब भी कभी ऑर्डर करें तो कितने यूनिट्स का ऑर्डर दें? ऑर्डरिंग कॉस्ट भी कह रहा है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे रहता है? एनुअल डिमांड 162,000 डिवाइड बाय ऑर्डर साइज मल्टीप्लाइड बाय कॉस्ट पर ऑर्डर 27,000, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर। ठीक है सर एंटर। जी नोट कर लिया डाले सर। जी सर बी रिक्वायरमेंट पे आंसर मेरे बी बी काम करना। कंप्यूटेशन ऑफ सेफ्टी स्टॉक का फॉर्मूला क्या है? एवरेज से जितना ऊपर रखेंगे, अगर एवरेज से ऊपर रखेंगे तो सेफ्टी स्टॉक है। वो कहता है कंप्यूट द सेफ्टी स्टॉक एंड द ऑर्डर लेवल इफ द कंपनी इज विलिंग टू टेक 20% रिस्क ऑफ बीइंग स्टॉक आउट and 10% risk of being stocked assuming 360 day rahi pehle idhar ye order levels karwa de kal ke lekin likh do agar 20% risk le rahe hain 20% risk we are willing to take 20% risk so reorder level pehle workout karwa do नहीं मेरा ख्याल इस वक्त फॉर्मूले की तरफ तो री ऑर्डर लेवल का फॉर्मूला गया डिमांड इन डेज है मैक्सिमम तब तब आएगा ना अगर हम 100% स्टॉक आउट अवॉइड करना चाहते हैं डिमांड इनटू लीड टाइम है असल फॉर्मूला ये है डिमांड इनटू लीड टाइम डिमांड इन डे डिमांड पर डे इनटू लीड टाइम इन डेज या डिमांड पर मंथ इनटू लीड टाइम बाकी तो बात ही बेस है ना तो डिमांड इनटू लीड टाइम तो जरा दोबारा देखेंगे क्या हम रिस्क लेने को तैयार हैं तो 100% तो अवॉइड नहीं कर रहे हम कितना परसेंट रिस्क लेने को तैयार तो डाटा देखें अगर हम 20% रिस्क लेने को तैयार हैं तो हम कितने दिनों का स्टॉक रख रहे होंगे तो 12 डेज का स्टॉक रख रहे हो अब हमें क्या पता होना चाहिए ये तो लीड टाइम तो पता चल गया लीड टाइम इन डेज पता चल गया इन डेज अब डिमांड इन डेज पता होनी चाहिए लीड टाइम डेज में है
ये 12 समझ आ गए, 12 के लिए, 12 के लिए 20% रिस्क ले रहे हैं। तो अगर हम 12 दिन को स्टॉक रखेंगे तो 68% एंड 12% मींस 80% रिस्क कवर हो जाएगा। तो 12 दिनों का स्टॉक रखना चाहिए। अब एक दिन की डिमांड ढूंढनी है, हाँ जी, एनुअल डिमांड कितनी है डिवाइड बाय 360 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बताया हुआ ना 365 का। व्हाट इज 450 डिमांड पर डे मल्टीप्लाइड बाय लीड टाइम इन डेज इफ यू आर विलिंग टू टेक 20%। So what will be the reorder level? 5400. It means if 5400 units stock में रह जाए तो फिर हमें order कर देना चाहिए, ठीक है? If we are willing to take 20%, ये लिखने मत भूलना। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए, लेकिन रिक्वायरमेंट में जरा दोबारा जाए। नहीं, सेफ्टी स्टॉक भी नहीं कहा। अब सेफ्टी स्टॉक कैसे पता चलेगा? अब हम कितने यूनिट्स रख रहे हैं? 5400 यूनिट स्टॉक रख रहे हैं। क्या हम एवरेज से ज्यादा रख रहे हैं? नहीं, अब यही देखना, यही देखना। अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? व्हाट इज एवरेज स्टॉक लेवल, यही कैलकुलेट करना है। कल ये कर रहा है ना, कैलकुलेट क्या करना है? एवरेज स्टॉक लेवल। अब एवरेज स्टॉक लेवल का फॉर्मूला नहीं देख लेना, पीछे जाए आराम आराम से देखना, ठीक है? सही तरह क्लियर करना। ये रीऑर्डर लेवल हमारा आ गया, हम देखना ये चाहते हैं कि क्या एवरेज से ज्यादा है ये। अब एवरेज रीऑर्डर लेवल कब कैसे पता चलेगा, बल्कि एवरेज रीऑर्डर लेवल ये पीछे भी एक दो पेजेस पीछे है, ये जरा ढूंढ के बताएं जहां ये सेफ्टी स्टॉक बफर स्टॉक वगैरह का फॉर्मूला पड़े। नहीं सर जी, ना सर, एवरेज स्टॉक सॉरी और चीज है, एवरेज ये बफर स्टॉक का फॉर्मूला बताएं। सेफ्टी स्टॉक मैक्सिमम इनटू मैक्सिमम लीड टाइम तो तब था अगर अगर वी आर नॉट विलिंग फॉर एनी स्टॉक आउट, तो उसकी जगह तो वी आर विलिंग समथिंग, ये हमने अपना रीऑर्डर लेवल सेट कर दिया। अब एवरेज ढूंढना है, एवरेज रीऑर्डर लेवल उसका क्या तरीका? एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम चाहिए। करना क्या कैलकुलेट हमें? एवरेज रीऑर्डर लेवल, एवरेज से कुछ ऊपर रख रहे हैं सर, तो एवरेज डिमांड इनटू एवरेज लीड टाइम। अब जरा वर्ड साथ रखें, एवरेज डिमांड पर डे एंड मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीड टाइम इन डेज, ढूंढे एवरेज डिमांड पर डे। एवरेज डिमांड पर डे क्या डिमांड पर डे कॉन्स्टेंट ही है? इस डाटा में डिमांड पर डे कॉन्स्टेंट ही है सर। एक सेकंड, रॉबिन ढूंढे जरा उधर ही अपने रजिस्टर में, आंसर भी ढूंढे रॉबिन, एक रॉबिन ढूंढ 2.3 नंबर भी ढूंढे। 24 पेज पे है थोड़ा सा, या क्वेश्चन देखने, क्वेश्चन से याद आ जाए सर। पेज नंबर 24 पे क्वेश्चन है। क्या मैक्सिमम डिमांड इन अ मंथ गिवन थी? मिनिमम गिवन थी सर, एवरेज गिवन थी, तो अनसर्टेनिटीज मौजूद थी डिमांड में भी, आपने एवरेज निकालनी थी, सॉरी एवरेज भी गिवन था इसकी एज इट इज ले लेते, एवरेज लीड टाइम निकाल दिया था, मैक्सिमम मिनिमम वाली कोई स्टोरी थी, ठीक है? मतलब डिमांड कैन बी डिफरेंट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, लेकिन हमारे इस डेटा में क्या एवरेज डेली डिमांड इज सेम?
हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं ना, हमें पता चलेगा तभी है ना कि मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, एवरेज कहाँ तक जा सकता है. तो हमें क्या लग रहा है 162,000 टोटल गैस्केट्स है और 360 डेज है, ऑन एवरेज 450 है, अनलेस वी हैव इंफॉर्मेशन कि ये कहाँ तक जा सकती है और कहाँ तक कम भी आ सकती है. ठीक है, फार्मूला लिख लेते हैं. एवरेज डिमांड इन डेज एवरेज डिमांड इन डेज मल्टीप्लाइड बाय एवरेज लीटर. जी बता दें फाइनली एवरेज डिमांड इन डेज, सॉरी इन डेज नहीं पर डे, एवरेज डिमांड पर डे एंड लीड टाइम इन डेज. फॉर 50 डन है सर, मल्टीप्लाइड एवरेज लीड टाइम. हाँ जी, अब कल कल हमने 305 निकाला, पेज नंबर 305 देखो, क्या हमने कल एवरेज डिमांड निकाली थी प्रोबेबिलिटीज के साथ. तो यहाँ भी अब डिमांड की प्रोबेबिलिटीज तो नहीं है, इस चीज की प्रोबेबिलिटीज है लीड टाइम की, तो वही वर्किंग यूज करना. 11 into 12%, 13 into 10%, 14 into 6%. तो किस चीज में तो वेरिएशन पता है, लेकिन किस चीज में एसेट वेरिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं है. लीड टाइम में वेरिएशन का इंफॉर्मेशन है और डिमांड कॉन्स्टेंट सॉर्ट ऑफ है. और करें सॉर्ट समथिंग 11.66. Days. It is in days. So finally, what is 450? Multiplied by 11.66, approximately 5 to 4 7. 5 to 4 7. What is 5 to 4 7? Units. ठीक है, मतलब एवरेज क्या है, एवरेज रीऑर्डर लेवल. अभी ऑन एवरेज अगर ये रीऑर्डर लेवल होता तो हमें ऑर्डर करना चाहिए. ऑन एवरेज रीऑर्डर लेवल निकाला सर, फाइनल के अंदर वर्ड्स देखते हैं. एवरेज डिमांड इन टू एवरेज लीड टाइम से क्या निकला है, एवरेज रीऑर्डर लेवल. अब जरा देखें हम कितना कितने यूनिट्स का रीऑर्डर लेवल रखना चाहते हैं, 20% रिस्क ले रहे हैं, तो क्या हम कुछ एक्स्ट्रा रख रहे हैं. तो व्हाट इज सेफ्टी स्टॉक, ये 5 to 4 7 है, 5400 माइनस 5 to 4 7, तो जितना एक्स्ट्रा रख रहे हैं दैट इज 153 यूनिट्स, ये सेफ्टी स्टॉक. अगर आप रिस्क लेना ही नहीं चाह रहे तो फिर आपने मैक्सिमम लेवल पे अपना स्टॉक रखा हो, तो फिर एवरेज से जितना ऊपर रखा होगा वो सेफ्टी स्टॉक है. लेकिन इस केस में हमने मैक्सिमम तक नहीं रखा, बिकॉज वी आर विलिंग टू टेक सम रिस्क, तो हमने इवन देन कुछ एक्स्ट्रा रखा हुआ है. तो जितना एक्स्ट्रा रखा हुआ है किस से, वो फिर सेफ्टी स्टॉक है. अब 10% वाली वर्किंग करता था कुछ, अगर 10% रिस्क ले इंडिविजुअली सोच रहा the
जी एक सिंपल वर्किंग एक दफा होगी, ये अभी स्टॉक तो सेफ्टी स्टॉक 5850 माइनस 5247 6 रुपये ये पेज नंबर 291 पर पेज नंबर 291 क्वेश्चन नंबर 3 तरफ पढ़ें जरा इंडिविजुअली पढ़ें। ये नंबर बता दो। 291। क्वेश्चन नंबर ऑर्चिड लिमिटेड इज अ ट्रेडिंग कंसर्न। इट इज प्लानिंग टू इंप्लीमेंट ईओक्यू मॉडल From 1st April 2019, oil deals in 4 products, each of which is purchased from a different supplier. Compute EOQ for one of its products. Beta the following data has been gathered. Actual data for the last year relating to beta. सिर्फ एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वैसे चार बना रहा है। हमें हमें हमारी बहस है एक प्रोडक्ट पे, थर्ड लाइन टू कंप्यूट ईओक्यू फॉर वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट्स। तो ये एक्चुअल डाटा भी किसका है, लेकिन किस साल का है? लास्ट ईयर का। एनुअल सेल्स, सेफ्टी स्टॉक, ट्रांजिट लॉसेस और द परसेंटेज ऑफ परचेजेस का मतलब रस्ते में ट्रांजिट लॉस, रस्ते में 10% लॉस होता था चीनों। व्हाट इज 100? व्हाट इज 100? अगर 100 यूनिट्स का चेस करेंगे तो हमारे तक कितने पहुंचेंगे? जाने दें यार, 100 खरीदने 90 कैसे पहुंचे? तो क्या 100 खरीदने पड़ेंगे? लेकिन पहुंचेंगे हमारे पास। एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ पर यूनिट, दोनों में फर्क है। इन फिगर्स को गौर से देख के बताएं, यहां से कुछ निकल सकता है रिजल्ट पर? एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ 5 लाख क्यों है? अगर एक यूनिट की होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ 80 रुपए है, यहां से क्या निकल सकता है? जो यूनिट होल्ड किए होंगे वो निकल सकते हैं। देखें जरा, 5 लाख क्या 80 के? ये पांच लाख रुपया खर्चा है होल्ड करने का एक महीने में, और एक यूनिट को होल्ड करने का 80 रुपए, मतलब 6 to 50 हो सकता है। 6 to 50 होल्डिंग यूनिट्स है, यूनिट होल्ड किए होंगे। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर इशूड फॉर बीटा,
चालीस चालीस दफा बीटा का ऑर्डर देते हैं। नंबर टू, टोटल कॉस्ट ऑफ परचेज डिपार्टमेंट फॉर द लास्ट ईयर अमाउंट ऑफ 45 लाख विच इंक्लूडेड फिक्स कॉस्ट ऑफ 13 लाख 50,000। ये तुम्हारा रिपीट हो रहा है। और टोटल ऑफ 100 परचेज ऑर्डर्स वर इशू ड्यूरिंग द लास्ट ईयर। दोबारा पढ़े बताएं यहाँ से क्या निकल सकता है। हाँ वो तो ठीक है, टोटल रेलिवेंट ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल सकती है। ये जरा पीछे की तरह ढूंढने जरा एक कोको किंग ओके कोको किंग नहीं हॉकी देखे ऊपर इसके ऊपर ही है। इसी सवाल के पीछे पिछले पेज में हॉकी हो कैलकुलेटर है बताएं बट इज बट नहीं बट इज बट मतलब यहाँ से बट इज बट क्या निकल सकता सर यहाँ से। नहीं वो तो ठीक है ना, उससे क्या निकल सकता है। ऑर्डरिंग कॉस्ट निकल सकते हैं, व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, कॉस्ट पर ऑर्डर बताएं कैसे। 45 लाख माइनस 13,50,000 क्यों, टोटल फिगर आगे डिवाइड बाय 100 करके क्या आ जाएगा। 45 लाख माइनस 13,50,000 माइनस सॉरी डिवाइड बाय 100। वो तो कहता हमारे बेटा के 40 परचेज ऑर्डर अपने 100 से डिवाइड कर लिए। ये 40 ऑर्डर्स का खर्चा है, ये 100 ऑर्डर्स का खर्चा है, ये सारा दिया है ना, सारा दिया है। ठीक है हमारी प्रोडक्ट के 40 ऑर्डर्स थे लेकिन जो टोटल खर्चा वो उसने बताया, तो कॉस्ट ऑफ ऑर्डरिंग पर यूनिट आ गई कितनी आ गई सर, सॉरी कॉस्ट पर ऑर्डर आ गई। नेक्स्ट कहता है प्रोजेक्शंस फॉर नेक्स्ट ईयर। अब ऊपर जो आपने पढ़ा ये डेटा है लास्ट ईयर का, तो फर्स्ट पैराग्राफ में वापस जाएंगे। ईयू के मॉडल कब से अडॉप्ट हो रहा है, तो क्या हम लास्ट ईयर की वर्किंग कर रहे हैं या कोई नेक्स्ट ईयर की वर्किंग कर रहे हैं। लास्ट ईयर से अब नेक्स्ट ईयर में आए, तो ये एक्चुअल था लास्ट ईयर। अब आगे प्रोजेक्शंस फॉर नेक्स्ट ईयर। नंबर वन, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम। 100 यूनिट्स अगर सेल हो रहे थे अब 125 सेल, सेफ्टी स्टॉक जो पहले 2000 था 2500 यूनिट्स का रखा जाए, ट्रांजिट लॉसेस परसेंटेज ऑफ परचेज जो पहले 10% था और इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन इन ऑल कॉस्ट का मतलब जितनी कॉस्ट रेलिवेंट है वो अगर 100 रुपए पहले थी तो आप 110 हो जाए। ऑन ऑल कॉस्ट जो जो कॉस्ट हमारे से रेलिवेंट होगी उसका उस पर इन्फ्लेशन का इफेक्ट 10% प्राइसेस बढ़ जाएंगी कम हो जाएंगे। क्लोजिंग स्टॉक एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो सेफ्टी स्टॉक के अलावा है वो वेरी करेगा इन लाइन विद द सेल वॉल्यूम। क्या मतलब वॉल्यूम से वेरीज, क्या चीज किसके साथ वेरी करेगी। क्वेश्चन ही साइलेंट हो गया भाई, क्या सेल में इजाफा हो रहा है सर, कितने परसेंट, तो क्या क्लोजिंग स्टॉक भी 25% बढ़ेगा, क्या चीज किसके साथ वेरी करेगी, लेकिन किस में से क्या निकाल के वेरी करेगा। क्लोजिंग स्टॉक में सेफ्टी स्टॉक निकाल के वेरी करें, कैलकुलेट करना जी हमने ईओक्यू। ईओक्यू का फॉर्मूला सेम मिला है, फिगर्स ढूंढते हैं। लिखे लिखे ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स मिल गए सर। बस इसमें एक ही आपने अपनी वर्किंग एक फेवरेट वर्किंग करवानी, बस एक ही फेवरेट वर्किंग निकलनी है।
कॉस्ट पर ऑर्डर बताए कॉस्ट पर ऑर्डर कैसे निकाली थी कल आपने 45 लाख माइनस 13,50,000 डिवाइडेड बाय 100 ऑर्डर्स आंसर एक आया था लेकिन क्या वो आंसर जो आएगा इनटू 1.1 करेंगे खर्चे में इन्फ्लेशन आ जाएगी 10% इजाफा होता है तो लास्ट ईयर था ये नेक्स्ट ईयर ऑल कॉस्ट में 10% इंक्रीज आता है हजम नहीं इनटू 1.1 110% 1.1 You understand square order? 3, 4, 6, 5. So 2 × 3, 4, 6, 5. ये नहीं कर फिर Noted as a annual demand here. Annual demand. किस चीज की डिमांड बीटा की डिमांड बीटा खरीद के बेचना तो एनुअल डिमांड सेल लेनी है या परचेज लेनी एक ही बात हो सकती है अगर स्टॉक्स ना हो या वो मेंटेन होते अरोमा ढूंढना इसका पेज ही होना कहीं इधर एक दो पेज पीछे इंपोर्ट कर रहे थे हमने 60,000 डिमांड बल्कि सेल ही शायद था लेकिन लास्ट टाइम में नीचे कोई ऐसा डायरेक्टली स्टॉक्स की इंफॉर्मेशन नहीं थी सवाई से कि बफर स्टॉक मेंटेन हो रहा है तो अगर बफर स्टॉक मेंटेन हो रहा है तो क्या मतलब था इसका नहीं मतलब वही वो हो गया क्या क्या सेम होने से क्या क्या हो लेकिन हमने ढूंढनी परचेज होती है अगर सेल है तो परचेज और अगर इवन रॉ अगर फिनिश गुड्स भी है तभी हम रॉ मटेरियल तक पहुंचते हैं हॉकी देखा था हॉकी इससे पिछले पेज पर जो क्वेश्चन कर रहा था उसमें 80 था शायद H2 बनाना था लेकिन 80 खरीदना था तो ये परचेज ढूंढनी थी अपने एनुअल रिक्वायर्ड डिमांड मींस एनुअल रिक्वायरमेंट पोको किंग ढूंढना था पोको किंग में चॉकलेट्स बनाकर बेचते थे लेकिन खरीदना कोको पाउडर था which is 90% of the ingredients. तो यहाँ वापस आ गया। ट्रेडिंग बिजनेस है जो बेचना खरीदना तो वही है लेकिन क्या यहाँ स्टॉक्स की गेम भी है स्टॉक भी रखे जा रहे हैं जी जी ठीक है वो तो मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपनी जगह मौजूद है एक्सेप्शंस तो अवेलेबल है लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में स्टॉक्स अगर नहीं है तो वो हो जाएगा अनलेस वो भी हो जाए और जी सर ये स्टॉक का एक लेजर बना लेना चाहिए शायद सुबह इधर एनुअल डिमांड सेल अवेलेबल तो है लेकिन उसमें भी वेरिएशन आ रही है स्टॉक्स में भी चेंज आ रहा है तो गेम सीरियस है अब ये स्टॉक का जो हम लेजर बना रहे हैं ये इसकी सेंस बताएंगे क्यों बना रहा हूँ ये नेक्स्ट ईयर के एंगल से बना रहा हूँ मैं या करंट ईयर के एंगल से बना सॉरी लास्ट ईयर के नेक्स्ट ईयर के एंगल से बना जो लास्ट ईयर के एंड पे स्टॉक होगा क्या वो हमारे लिए ओपनिंग होगा आज सबसे पहले तो एक इजी काम करवाते हैं जरा से अब मैं यूनिट्स के एंगल से वर्किंग कर रहा हूँ डेफिनेटली स्टॉक का लेजर अगर हम अमाउंट्स के एंगल से देखें तो कॉस्ट ऑफ सेल होगी लेकिन यूनिट्स के एंगल से बात कर सेल्स किधर लिखा सर जी डेबिट साइड में क्रेडिट साइड पे बताएं कितनी सेल होगी 72,000 होगी उसमें 25% इजाफा हो जाएगा
ऐसे देख के लिखने की बहस में मेरा ख्याल आ जाए, पहले आराम से देख 90,000 से सेल हो जाए, ढूंढ लें बीडी, यही गेम है। जी जी वहां से मिल जाए, मिल जाए, मिल गया वैसे। नहीं वो तो सिर्फ सेफ्टी स्टॉक आपको नजर आ रहा है ना, नीचे अभी अपने वर्किंग की थी 5,00,080, 5,00,080, 6 to 5 0 यूनिट्स हमने होल्ड किए होंगे, तो क्या उसमें सेफ्टी स्टॉक भी होल्ड हुआ होगा? देखे जरा गौर से, 5,00,080 से जरा लेट कर, 5,00,000 क्या है, 80 क्या है, ये खर्चा है वो पर यूनिट है, तो यहाँ से नंबर ऑफ यूनिट्स निकलेंगे, किस चीज के यूनिट्स निकलेंगे, होल्ड यूनिट्स निकलेंगे, होल्ड यूनिट्स निकलेंगे, तो क्या इन होल्ड यूनिट्स में सेफ्टी स्टॉक भी होगा या सिर्फ सेफ्टी स्टॉक ही रखा हुआ? ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ये वाली इन्फॉर्मेशन ना होती होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ वाली, तो हम शायद डेटा कैलकुलेट नहीं कर सकते थे अदरवाइज, तो फिर शायद सिर्फ सेफ्टी स्टॉक ही रखा हो। ठीक है, 36 to 50, अब इसमें सेफ्टी स्टॉक निकाल, नहीं ब्रॉड डाउन निकालते हुए क्या 6 to 50 लिखूं या निकाल दो, वो दूसरी वर्किंग करते हुए शायद लास्ट लाइन देखें, नेक्स्ट पेज पे वो जो क्लोजिंग स्टॉक आपने मुझे बनवाना है उसमें शायद वर्किंग करते हुए काम करना, बट शेड भी ब्रॉड डाउन फाइनली वर्किंग किसके कैसे आएगा, 5,00,000 डिवाइड बाय, दोबारा पढ़ने सही तरह, 5,00,000 क्या है, 80 क्या है, 2,000 क्या है, ढूंढने जरा चीजें ढूंढने जरा, ये नहीं कंफ्यूज, चलो फिर क्लोजिंग आपने कर लो, आखिरी महीना पूरा साल की वर्किंग कर लेते हैं, पर मंथ से पर एनम बना लेते, जो भी आखिरी महीना का जो पड़ा होगा क्या वही हमारा ओपनिंग होगा? जरा एक मिनट सोचे, ओपनिंग किसे करते हैं, नहीं लास्ट डेट का आखिरी दिन जो पड़ा होगा हमारी ओपनिंग, पूरे साल के एंड पे अगर देख चाहे वो पूरा एक हफ्ता, अगर महीना देख रहे हैं हफ्ता देख रहे हैं, जो आखिरी दिन पड़ा होगा वो हमारे स्टार्टिंग, तो ये लास्ट ईयर का डेटा है, तो क्या ये लास्ट ईयर के एंड पे स्टॉक रखा होगा? देखें देखें, अब डेफिनेटली हमने जो रखा हुआ है वो कॉस्ट पर मंथ दी हुई है, इसको अगर हम इस तरह भी करना चाहें जो शायद हम करते रहे, जरा इनटू 12 करें, एवरेज होल्डिंग कॉस्ट पर मंथ इनटू 12 करें, 60,00,000 को देगा, लेकिन क्या 80 रेजिडेंस लेगा, वो भी पर मंथ नहीं बना, वो भी 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 960 हो जाएगा, तो करके देखने पड़ेगा, तो मतलब सेम कमी नहीं गया, मतलब सेम कमी नहीं, असल में ये यूनिट्स हमने रखे रखे हुए हैं, तो किस दिन अगर पड़े हैं तो किस दिन ब्रॉट डाउन हो जाएगा, अगर हमने फॉर एग्जाम्पल पूरा महीने भी रखे हुए तो आखिरी दिन अगर पड़े हैं तो क्या हम उसे नेक्स्ट ईयर ब्रॉट डाउन बना देंगे? जो आखिरी दिन पड़ा होगा वो ब्रॉट डाउन होगा, क्या ख्याल, महीने के एंड पे पड़ा या साल के एंड पे पड़ा या वीक के एंड पे पड़ा, तो जैसे ही हमारा पीरियड स्टार्ट होगा जो पड़ा था वो ब्रॉट डाउन कंसिडर होगा। जी ठीक है जी, ऑनलाइन शॉर्ट्स क्लियर होगा, सीडी निकालना सर, सीडी की एक वर्किंग होनी चाहिए, सही है, सबको सामने लिखा हुआ, लास्ट लाइन पढ़े, पॉइंट नंबर 4, 6 to 50 में से क्या एक्सक्लूड करके वेरी होना है, कितना माइनस करूं, इसमें 2000 माइनस करूं, इसमें 2500 माइनस करूं, जो मर्जी करो, जी जी वो वर्किंग करने लगा यार, लास्ट लाइन अप्लाई करने लगा सर, क्लोजिंग स्टॉक वेरीज इन लाइन, बल्कि वर्किंग करने लगा, लेकिन क्या निकाल के वेरीज इन लाइन, 6 to 50 माइनस 2000 क्यों किया मैंने, इन टू 1.25 क्यों किया मैंने, सेल के साथ वेरी करना है, लेकिन एक और चीज ढूंढ के बताएं क्या जमा करूं,
अच्छा फर्ज करें वो 2500 की जगह कहता 2000 ही स्टॉक रखना अगले साल भी, तो इवन देन माइनस करके प्लस क्यों करता, एक्सक्लूडिंग सेफ्टी स्टॉक वेरी करता, तो 2000 माइनस करके वेरी कर दिया हमने और दोबारा 2000 की जगह 2500 की जमा कर दी, क्योंकि अब सेफ्टी स्टॉक बदल रहा है। अगर ना भी बदलता तो क्या करके ही क्या करता, माइनस करके ही 2000 प्लस क्यों करता, क्योंकि उसने वेरी नहीं करता। ठीक है, नहीं फिगर समझ आ रही प्लीज, नहीं सर अभी कॉस्ट की तो बात ही नहीं हो रही है, तो दाग नहीं है, सारे यूनिट की यूनिट यूनिट करते हैं सर, वही तो सारे यूनिट और सर सारे यूनिट है, तो कॉस्ट पे ही अपना होना ना 10% तो भी करता हूँ, इसमें से कौन सी अमाउंट कॉस्ट है, अभी तो यूनिट्स की वर्किंग कर रहे हैं, अभी ये यूनिट्स की वर्किंग कर रहे हैं, कोई नहीं सर ऐसी बात पेपर में भी नींद आ जाता है। जी सर आंसर सर, ये सारी जो फिगर्स इस वक्त आपके सामने आई हैं ये अमाउंट्स हैं या यूनिट्स हैं, ठीक है सर, ठीक है विधान साहब, तो 2500 का जो सेफ्टी स्टॉक है मतलब नेक्स्ट ईयर जो हमने सेफ्टी स्टॉक रखा है वो 2500 रखा है, अब 2500 आएगा जी, यहां से अब ट्रेडिंग बिजनेस है क्या निकल आएगा, परचेजेस निकालो 91563 क्या है 91563 परचेजेस, लेकिन गेम अभी खत्म नहीं हुई, अब ये आज कोशिश करें बात फाइनल हो ही जाए, ये 91563 क्या है, ठीक है जी रिक्वायर्ड भी है मैं मान लेता हूँ जो भी है, क्या ये हम तक पहुंचना चाहिए, तो परसेंटेजेस आपके सामने सर, आइए फाइनल कर ही दें, अब 10% इस स्टोरी में हमसे रेलिवेंट है या 6%, 10% कब था लेटेस्ट लास्ट ईयर में, हम किस साल में हैं, क्या ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, क्या ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक है, क्या ये नेक्स्ट ईयर की सेल है, क्या ये नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक है, क्या ये हमारी नेक्स्ट ईयर की परचेज है, लेकिन ये वो परचेज है तो हम तक पहुंचनी चाहिए, तो क्या हमें इतना ही खरीदना होगा, अगर रस्ते में क्या ना होता तो हमें इतना ही खरीदना होगा, परसेंटेजेस फाइनल करें सर, 91563 पहुंचना चाहिए, 100 6 94, कौन सी परचेज 100 होगी, जब हम वहां से खरीदेंगे या यहां पहुंचेगी, परचेज वो होगी लेकिन हम तक कितना पहुंचना चाहिए, 91563 पहुंचेगा कब, जब डिवाइड बाय 94 इनटू 100 आंसर आ जाएगा, 97407 मतलब ये जो वो क्वांटिटी है जो हम खरीदेंगे तो इतनी पहुंचेगी, देख ले यार सर, लग रहा है आप भी बोर हो रहे हो इस बात से कि क्या है कि बात शुरू होती होगी, चाहिए कितने और खरीदने कितने पड़ेंगे, मिशन ऑन है सर, गुड मिशन, तो थोड़ा सा काम रह गया आपके लेफ्ट साइड पे, जी सर ये सारी वर्किंग क्यों हुई है सर, हम एक फॉर्मूला लिख रहे थे, तो ये डिमांड मींस क्या है यार, परचेज डिमांड रिक्वायरमेंट डिमांड, हम कहते हैं खरीदने की डिमांड, खरीदना कितना रिक्वायर्ड, चलिए वाइंड अप कर मैं था बाकी अभ्यास कोई नहीं, अब होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनएम की वर्किंग जरा कैंडी थोड़ी सी है वो ना गलत करें, देखें जरा डाटा, जानो स्टूडेंट्स बड़ा फाइनल हो गया वर्किंग सर, नाइन सेवन फोर जीरो सेवन
होल्डिंग कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वन यूनिट पर एनम जी ढूंढे, 80 के कॉस्ट ऑफ होल्डिंग पर यूनिट पर मंथ इनको 12 क्यों किया पर एनम, एक काम और क्यों किया इनटू 1.1 क्यों हो रहा सर, रेट ऑफ इन्फ्लेशन एंड ऑल कॉस्ट, ये बड़ा ये 50 से 5 लाख कॉस्ट थी, होल्डिंग कॉस्ट 5 लाख थी और 80 होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट की अमाउंट थी, तो यहां से 6250 बन गया। ये करें जी फाइनल कर 2528 यूनिट्स क्या है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 2525 से, ये है ना बात, अब गेम शुरू हुई है जो कैंडी आ रहा है फिगर आपके सामने है, आई होप कि आपने भी यही लिखा जो मैंने लिखा है, कोई मेरी गलती अगर कहीं है तो बता दो 25 जादू जो स्टूडेंट से बताएंगे मेरे को वही फाइनल कर लेता है। बात आपकी भी ठीक है, आपका तो यूनिट को एक आध डिफरेंट राउंड ऑफ हो गया, ये पेज नंबर बताइए तो किस रेट का जैसे जी पेज नंबर 295 पे कभी जिंदगी में ग्राफ बनाए कभी ग्राफ का जी सुना पहले कभी रहने दे सर इतनी जल्दी के पेज नंबर 295 सर इसके स्टार्ट में जो सेकंड पैराग्राफ है वो कहता है द ईक्यू कैन बी डिटरमिन्ड यूजिंग द फॉलोइंग मेथड्स, ईक्यू कैलकुलेट करने के कितने मेथड लिख दिए उसने, कौन कौन सा टेबुलर ग्राफिक एंड ईक्यू फॉर्मूला, हमने अभी तक क्या पढ़ा और कौन कौन सी अप्रोचेस है, ये टेबुलर पे वाला है बिल्कुल सिंपल सी चीज है जो पहले बात होगी असल वही है लेकिन शायद एक नजर जरा देख लें ये चीजें एक एग्जांपल देखें जिसके बाद मैं थोड़ा देखता हूँ, पहले टेबुलर एक टेबल से बनाओ, टेक इट एज रेवेन्यू, अ कंपनी यूजेस 40,000 यूनिट्स ऑफ स्टॉक आइटम 6, 7, 8, 6 ईच ईयर, द आइटम हैज अ परचेज कॉस्ट ऑफ 10 पर यूनिट, द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर री सप्लाई इज 2, the annual holding cost of one unit of the item is 10% of its purchase cost. Yes, sir. एक काम करें जरा ये आसान से डेटा से जरा EOQ फॉर्मूला लगा के EOQ बताएं कितना है, टू मल्टीप्लाइड बाय एनुअल डिमांड या टोटल कॉस्ट ऑफ ऑर्डर कितनी, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग इन ऑर्डर सर 2 ही लग रही है, एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड 40 गिवन तो है ये, ये होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर है ना, कैसे 10% इंटू 10% 10 इंटू 10% 10 रुपीज परचेज कॉस्ट के साथ 10% लिंक किया, व्हाट इज ईओ क्यू 400 यूनिट्स, पेज नंबर जरा बता देंगे 295। अब ये जो 400 यूनिट्स हमने फाइंड आउट किए इसको फाइंड आउट करने का तरीका ये है कि नीचे टेबल बनाओ
टेबल और फॉर्म के साथ एक ब्रैकेट लिखी हुई, ब्रैकेट जरा पढ़ो। इन द फॉलोइंग टेबल द ऑर्डर क्वांटिटी वेयर द एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू द एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एंड दिस सम इज लोएस्ट इज ईओक्यू। ईओक्यू लेवल पे दो काम होते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू एनुअल कैरिंग कॉस्ट, और उनका जो सम होता है वो मिनिमम होता है। इसका तरीका ये है कि देखिए, हमने तो फॉर्मूला लगाया 400 यूनिट निकाल दिए, लेकिन एक आप एक्सेल की शीट को ज़हन में लाएं। जी सर, एक्सेल की कोई शीट देखी आपने? उसको एक मैथमेटिकली कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ती, बस थोड़ी सी अगर डाटा इनपुट कर दें। इसका तरीका ये होता है, फर्स्ट रो देखें, डिफरेंट ऑर्डर क्वांटिटीज अज्यूम करना है। ये भी बताता के ऑर्डर साइज जिस पे मिनिमम खर्चा हो जाएगा। तो एक तो ये वर्किंग कर रहे हैं, एक ये है कि वन से शुरू हो रहे हैं, एक यूनिट का अगर ऑर्डर साइज हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कहाँ तक खींच लें इसे, कहाँ तक खींच लें, 40,000 तक। मतलब मीन्स उसे क्या करने लगे, ऑर्डर साइज अगर एक यूनिट का हो, दो का हो, तीन का हो, चार का हो, पांच का हो, और कहां तक ले जाए, 40,000 इकट्ठा भी मंगवा जा सकते हैं, ऑर्डर साइज इकट्ठा भी हो सकता है। तो वो सॉर्ट ऑफ जो लंबी सी एक लिस्ट बनी होगी 1 to 40,000, वो एक समराइज सी फॉर्म में आपके सामने कैसे बनी हुई है। 100 लिख दिए, क्या लिख दिए 100 200, ये क्या हमें पता है कि 100 होगा या 200 होगा? इस वक्त हमें कुछ नहीं पता। तो उसमें से चंद एक डेटा, चंद एक फिगर्स आपके सामने प्लेस होंगे, लेकिन क्या ये यही प्लेस हुई होंगी, सारी हुई होंगी? नेक्स्ट रो में जाएंगे, फिर आप एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं यहाँ से। वो कैसे, जो ऊपर लिखा है एवरेज इन्वेंट्री कैसे आती है? बफर स्टॉक अगर है तो बहुत एक्सेप्शन है, मैंने ईओक्यू में इस अज्यूम के बफर स्टॉक की जरूरत नहीं है। तो 100/2 हुआ तो 500 हो गया, 10,000/2 हुआ तो 5,000 हो गया, और बीच वाले मैंने इसलिए छोड़ दी कि ऊपर ही आपको पता चल गया। सिंपली क्या, किससे डिवाइड होकर क्या आ गया, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 एवरेज इन्वेंट्री है। ये भी अपना एक नेक्स्ट रो बन गई। फिर क्या ये से नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर्स आ सकते हैं? परचेज ऑर्डर्स का फॉर्मूला क्या होता है ऑर्डर निकालने का? 40,000/100, व्हाट इज 400? इस केस में 400 ऑर्डर होंगे, कैलकुलेटर पकड़ो। नेक्स्ट 200 कैसे बनाओगे? 40,000/200, 40,000 कहां से आ रहा है और डिवाइड बाय 200। तो अगर 200 ऑर्डर साइज रखेंगे आप तो 200 ऑर्डर होंगे, 300 ऑर्डर साइज रखेंगे 133, आखिरी कॉलम में आ जाए, अगर 40,000 का ऑर्डर, सॉरी 10,000 का ऑर्डर साइज रखेंगे तो 4 कैसे बने? ये सासा मेरे इकट्ठे होते जाएगा, याद रख, समझ आ गए? तो पहली रो में क्या लिख लिया हमने, ऑर्डर साइज, फिर उसका एवरेज ले लिया, फिर वहां से क्या निकाल लिया। अब आप ये बता दें कि होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है? ठीक है, ठीक है, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 इनटू कॉस्ट ऑफ होल्डिंग 1 यूनिट पर एनम। सेकंड रो में जाए, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी हो गया हुआ, ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 ऑलरेडी हो गया हुआ है। ऊपर जाए, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम कितनी है? होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम 1 है, तो ये 50 रुपए कैसे आए? 50 × 1, ये 50 कहां से आया? ऑर्डर साइज क्या है इस केस में? 100/2 × 1, व्हाट इज 100? ऑर्डर साइज व्हाट इज, वेयर इज 2? एवरेज एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या है? 1 रुपया 10 रुपया इनटू 10%, मिल गया 10 रुपया इनटू 10%, तो ये 50 रुपए क्या बन गए? होल्डिंग कॉस्ट होगी अगर 100 यूनिट्स का ऑर्डर साइज होगा। अगली वर्किंग के बाद 200 का 100 कैसे आया? 200/2 × 1, मतलब मींस टू से रादर देन के फार्मूला यूज करें, आप सिंपली एक एक्सेल की शीट बनाए और उसमें फिगर्स देखकर बस उसे एक्सटेंड करते हैं, ये ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा फार्मूला लगा के। ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है? एनुअल डिमांड डिवाइड बाय 2 ऑर्डर्स आ जाते हैं, ऑर्डर्स आ जाते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है?
एनुअल डिमांड कितनी है, ऑर्डर साइज कितना है 100, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स निकल रहा था ना ये थर्ड रो, और इसको अगर मल्टीप्लाई बाय ढूंढे 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 टू से मल्टीप्लाई कर दें, टू का ढूंढे टू का तो 800 आ जाएगा। ये लिखने वर्किंग करो छोटी देर में, ये लेफ्ट साइड पे राइट साइड पे जगह बना, मतलब फिगर सॉल्व हुई नहीं, मैं उन फिगर्स को एक्सप्लेन करूं कि सॉल्व कैसे हुई है। लियोनिस मैं समझ ये लास्ट में करवाएंगे आखिरी व्हाट इज एनुअल डिमांड। अब लास्ट कॉलम में ऑर्डर साइज कितना है तो डिवाइड बाय 10,000, इससे क्या आ गया, हम दोबारा वैसे वर्किंग करें अदरवाइज ये थर्ड कॉलम थर्ड रो में हो गई थी, नंबर ऑफ ऑर्डर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीज पर ऑर्डर, ठीक है, तो 8 रुपीज एनुअल ओपनिंग कॉस्ट। अब ऑर्डर जा रहा है जाने, जब ऑर्डर साइज इतना बड़ा कर देंगे आप तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कम हो जाएंगे, 10,000 यूनिट्स का अगर ऑर्डर साइज कर देंगे होल्डिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, ये होल्डिंग कॉस्ट बताएंगे 5,000 कैसे बनी हुई है, नहीं इसमें 10,000 कोई नहीं भाजन, सही 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 ना, एवरेज भी ऑर्डर साइज डिवाइड बाय 2 × 1, ये लिख लें 2-3 वर्किंग करते हैं, ये ठीक है मास्टर, ये सब मिस्टर मॉस समझ आ गई, तब किस किस का सम हो गया फिर, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट जो आई है इनका सम हो गया लास्ट टोटल रेलिवेंट कॉस्ट वाले रो में, कैसे हुआ जरा एक बोल दो, पहले 800 जमा 50, 100 जमा 400, अब ये सारे टेबल में एक्सटेंशन हो गए, तो ये टोटल रेलिवेंट कॉस्ट समझ गए क्या मतलब, परचेज कॉस्ट रेलिवेंट इसलिए नहीं होती वी अज्यूम के बल्क डिस्काउंट नहीं है, लेवल पे बात हो रही है, ऐसे शॉर्टेज कॉस्ट इसलिए नहीं होती क्योंकि कांस्टेंट लीड टाइम एंड डिमांड डिमांड नोन एंड कांस्टेंट लीड टाइम, तो सिर्फ रेलिवेंट कॉस्ट कौन कौन सी होती है, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट, तो इनका सम अब हो रहा है फाइनली, तो बताएंगे कौन सा लेवल ऑफ ऑर्डर साइज ईयूवी लेवल है, 400 यूनिट्स का जो ऑर्डर साइज है ऑर्डर क्वांटिटी है वो ईयू की लेवल क्यों है, एनुअल होल्डिंग एंड एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम है और उनका सम और से देखें, बाकी किसी भी लेवल पे देख लें, बिलो देख लें, हाई अबव देख लें, 400 से ज्यादा है, क्या क्या सेम है और क्या मिनिमम है, एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड एनुअल होल्डिंग कॉस्ट सेम है और इनका सम मिनिमम, इट मींस चाहे आप 400 से कम का ऑर्डर दें या ज्यादा का दें आपके सामने है सारी सिचुएशन, क्या सिचुएशन सामने, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट मिनिमम है, खर्चा होना तो है लेकिन कम से कम होना चाहिए और किस पे होगा कम से कम, 400 लेवल पे कम से कम, और देयरफॉर 400 लेवल इज ईयूक्यू बेस्ड ऑन दिस टेबल, क्या इसमें एक फॉर्मूला लगाया हमने, एक टेबल बन गया सर, फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ वहीं से डेवलप हुआ सर, ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए यहाँ से ईयूक्यू कैसे निकला, किसी फॉर्मूले से निकला है या विदाउट फॉर्मूला निकला है, तो जैसे खोला जरा ग्राफ बना था, क्या ग्राफ से भी निकला था,
जी सर, ग्राफ अगर बनाया जाए तो एक होता है एक्स एक्सिस, थोड़ा सा मुझे स्टार्ट कर लें फिर बाद में आप डेफिनेटली आप ग्राफ बनाते हुए असूलन ग्राफ पे ग्राफ वाला पेज होना चाहिए, लेकिन बस एक रफ सा एक आइडिया कम से कम हो जाना चाहिए। एक है एक्स एक्सिस, पहले सुन लें थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन कर दें बात पता है, और एक है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लेंगे आप ऑर्डर क्वांटिटी, नहीं वो अब्दुल यू क्यों निकालना, और वाई एक्सिस पे लेंगे आप टोटल रेलिवेंट कॉस्ट। नहीं जस्ट एक मिनट, टोटल रेलिवेंट कॉस्ट मैंने लिखा, मैंने शायद पहले और आखिरी, पहली और आखिरी रो की बात की, आपके सामने टेबल है इसी टेबल से। एक स्केल सॉर्ट ऑफ डिफाइन होता है सर इसमें, ऑर्डर क्वांटिटी देखें 100 200 तकरीबन इक्वल स्पेस होगी। अब अगर 100 का रखा आपने डिफरेंस तो 600 तक ही जाएगा और शायद हमारा ईओक्यू इस पे आ जाना है डेफिनेटली। सॉरी 600 के बाद 700 लिख सकता है इसमें, नहीं लिख सकता सर। अगर सेम गैप मैंने रखा है, सॉरी मैंने गलत हो गया मेरा, अगर मैंने 100 का गैप रखा तो मैं 600 नहीं लिख सकता, ये 400 है, 400 का मैं 500 रखना। क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि पहला पहला जो जो गैप है ये 50 का है? यस है, तो फिर मुझे आगे जो सेम गैप 100 लिखना पड़ेगा, फिर 150 लिखना पड़ेगा, तो जितना मैं गैप एक रख रहा हूँ वो भी उतना ही आगे रखना। क्या मैं पहला गैप 200 के लिए रख सकता हूँ, लेकिन फिर बाकी अगला 400 होगा, 600 होगा वगैरह वगैरह। तो यकीनन अगर आप वंस अगेन प्रैक्टिकली सोचेंगे और ग्राफ यूज कर रहे होंगे तो फिर तो आप पूरी पूरे ऑर्डर्स जितने भी होंगे उनको सबको प्लॉट करेंगे, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस डाटा शायद हम 100 100 का रख सकते हैं। ठीक है, अब जरा लास्ट लाइन में आऊंगा, हमें रुपीज में जाना है। नहीं मतलब वही तो कर रही है, लेकिन वो स्केल डिफाइन करने का मैंने एक वर्ड यूज किया है, मिनिमम और मैक्सिमम कितना है, बल्कि आखिरी तीन कॉलम देखें, फिर आखिरी तीन सॉरी रोज, आखिरी तीन रोज इन रुपीज के एंगल से हमने एक लाइन लगा ली। डेफिनेटली जाना तो बहुत दूर तक है, 5000 से भी ऊपर चीजें नहीं गए, लेकिन ये 600 तक अगर सोचे हम तो मैक्सिमम 850 तक जाना, पता चला किसी को क्या कहते हैं, मिनिमम 50 है, होने कहीं है 50, ये आखिरी तीन रोज कह रहा है, आखिरी तीन रोज समझ लेंगे। तो मैंने पहले 50 मिनिमम है, 850 मैक्सिमम है, इग्नोरिंग वो 5000, वहां तक तो शायद हमारा ग्राफ ना आते, शाम हो जाए, सफा भी इसना चाहिए होगी तीन तीन फ्लोर को। तब बताएं यहाँ जो मैंने रेलिवेंट कॉस्ट लिखनी है, अब रेलिवेंट कॉस्ट में डेफिनेटली होल्डिंग और ऑर्डरिंग कॉस्ट की लाइन भी लगानी पड़नी, तो इसमें स्केल कैसे रखा, क्या 50 का रख सकते हैं, 50, 100, 150, काफी ज्यादा स्पेस चाहिए, 100 रख लेते हैं, 200 भी रख सकते हैं, 200, 400, 600, 800, बताएं हुक्म करेंगे इसको 200 तक। तो यहां रख लिया मैंने 200, अगला रख लेता हूँ इतनी स्पेस 300, बस ये नहीं कर सकता, जो एक दफा डिसाइड कर लिया है फिर उतनी स्पेस 600, 800, 1000। अच्छा इस 800 और 1000 के दरमियान 850 ढूंढ लेंगे फिर, उनका दरमियान 900 पे आएगा, और फिर 850 दरमियान के दरमियान में आएगा। अब आपने करना ये है, ये इससे ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट को कुछ समझ आ गया, मैंने कुछ आपके सामने स्केल डिफाइन करने की कोशिश की। अब तीन लाइंस लगानी है आपने, तीन लाइंस लगानी है आपने, होल्डिंग कॉस्ट की लाइन लगाएं, ऑर्डरिंग कॉस्ट की लाइन लगाएं और टोटल रेलिवेंट कॉस्ट की लाइन लगाएं, बनाएं और लगाएं, लगाते हैं यहां तक बनाते हैं, लेकिन आपका ग्राफ मेरे से ज्यादा बेहतर इसलिए होना चाहिए कि आपके पास फिर भी लाइन है मेरी बगैर लाइनों के। तो 5 मिनट हमारे पास है, जल्दी से कर लो।
वैसे 200 के बजाय आपके पास लंबा पेज है, मेरा ख्याल है 200 की बजाय ना 100 100 बेहतर रहेगा। उसमें वो चार हिस्से करने पड़ने, 50, 100, 150। ये एक लाइन के अंदर थोड़ा सा आपको क्वार्टर बनाना पड़ना, मतलब मुश्किल हो जाएगा। आपके पास लंबा पेज है, मेरा ख्याल है 100 बेहतर रहेगा। कितना हो जाएगा? 100, 9, 9 आने चाहिए, 900। चले अगर बना लिए तो ठीक है, लेकिन अगर सही, मेरा ख्याल सही ना बन सके तो कोई इशू नहीं, जल्दी से दूसरा बन जाएगा। ये स्केल हमने जरा थोड़ा सा स्क्वीज सा रख लिया है, लेकिन चले अगर रख लिया तो बिस्मिल्लाह पढ़ा। लेकिन मैं फिर कहूंगा आपका ग्राफ मेरे से बेहतर होना क्यों चाहिए? नहीं, आप तेज भी बढ़े, एक ये भी मसला। ये मैं आपके सामने डॉट्स लगा रहा हूँ, आप भी ऐसे बना रहे हैं? ये देख नहीं, ये यही ना, बाद में ये क्या हो रहा है? मैं ज़ूम करके फंस रहा हूँ, मुझे लग रहा है ये क्या हो रहा है? ये भी क्या तो बना लें सर, वेले बैठे हैं, कुछ नहीं कर रहे, क्या हो गया? ये होल्डिंग कॉस्ट सभी 100 जब थी, नहीं आपसे नहीं कह रहा, आप लोग कर रहे, 100 जब थी तो होल्डिंग कॉस्ट 50 थी, तो 100 जब यूनिट से ऑर्डर के, तो 50 मैंने ढूंढने की कोशिश की है 0 और 200 के दरमियान में। जब 200 यूनिट्स होल्डिंग कॉस्ट है, जब 200 यूनिट सॉरी ऑर्डर साइज है, तो 100 रुपया मिड ऑफ टू 200, 0 और 200, ये ठीक है फैजान सर? जब 300 है तो 150, 150, 400 है तो 200, ये डॉट्स मिलाने की कोशिश करते हैं। और देन होल्डिंग कॉस्ट जब 100 यूनिट्स थे तो 800 है, तो 800 ढूंढा मैंने। जब 200 यूनिट्स ऑर्डर साइज था तो 400, ठीक है फैजान? ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ गए? नहीं सर, पहले डॉट लगेंगे फिर हम डॉट्स को मिलाना है।
नहीं ठीक है, नहीं जी, पहली 50 100 यूनिट्स पे 50 है, 100 यूनिट्स पे तकरीबन 50 मैंने ढूंढने की कोशिश की है, ढूंढ ली, मुझे लग रहा, मुझे लग समझ जानी है, ये मैं जो रिज्यूम कर बैठा हूँ ना कि आपको ग्राफ बनाना आ रहा है। कौन कौन सी लाइंस लगाई है? रेलिवेंट कॉस्ट तो थोड़ी नीचे पे बहुत आई है, 400 तक नीचे, फिर दोबारा ऊपर चली गई, यूसा बन गया। लेकिन दो लाइंस ऐसी हैं जो आपस में एक जगह इंटरसेक्ट कर गई हैं। जी जी बाद में क्लाइंट लिख सकता है, ये बोर्ड पे देख के बनाना है। इस पर मुझे खतरा लग रहा है कि नौजवान जरा लाइनों को मैयर कर रहे हैं कि कहां से नीचे गई है, कहां से दोबारा ऊपर उठ गई। चार सौ यूनिट्स के ऑर्डर साइज पे तकरीबन आपकी होल्डिंग कॉस्ट लाइन और ऑर्डरिंग कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट कर जाएगी। ये बन गया सर, एक लाइन लिखें, द पॉइंट वेयर होल्डिंग कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट्स विद ऑर्डरिंग कॉस्ट लाइन। रिप्रेजेंट्स एक ही सबको एक इकोनॉमिक एग्जाम पर बैठे हैं, मुबारक हो। फिर कहाँ पढ़ा ये ग्राफ आपने जिंदगी में? इकोनॉमिक्स में कुछ फैसी में कहा, क्यूएम में भी है? जिस तरीके से आप लोग बना रहे हैं लगता है क्यूएम भी एग्जाम खुदा है ना, हम नहीं था ये मासर करें, मैंने ए लेवल्स में पढ़ा, सीएम भी एग्जाम का हमारा। क्यूएम में किसी किसी ने तो नहीं पढ़ा हुआ किसी किसी के सिलेबस में हो सकता हो किसी को मिला। ये फाइनल है सर ये बहस, तो जब भी कभी रिवीजन करें तो एक नजर यहाँ रुक के नेक्स्ट पेज पे अंदर इस ग्राफ पे नजर जरूर पड़नी चाहिए। इसके नीचे डिमेंड में लाइन लिखी ना, ये ग्राफ के नीचे बस एक लाइन लिखी, ये नेक्स्ट पेज पे जो ग्राफ सा बना हुआ मीन्स उससे अगर कभी कोई स्टोरी बनानी पड़ जाए तो इतना कड़ी होना चाहिए कि इन लाइंस को लगाने से ये कोई लेवल निकलेगा, इन लाइंस को लगाने से नहीं। तो ये लिख लेना कंडीशन, जो अभी सेंटेंस आपने रजिस्टर पर लिखा है इधर भी लिख लेना, द पॉइंट वेयर होल्डिंग कॉस्ट लाइन इंटरसेक्ट्स विद ऑर्डरिंग कॉस्ट लाइन रिप्रेजेंट्स ईओ क्यू। चले सर, जिन हजरात को इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग एग्जाम थी वो उसकी वजह यही है कि आपको आती थी तभी एग्जामिशन मिलती। डेटा देखे जिस तरह के डेटा लिखा हुआ, अगर डेटा मिल जाए ना टोटल रेलिवेंट कॉस्ट का या ऑर्डरिंग कॉस्ट का तो ग्राफ बन सकता नहीं। ये सर ये कि ना हो जिस ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ दो लाइनें पढ़े पेज नंबर 295 ऊपर दो लाइनें लिखी हो तो टेबल बन सकता नीचे? तो यार खुद ही बनाया यार, ये किसने बनाया टेबल? तो टेबल बन टेबल इसे टेबल तो देखना ही नहीं यार, पेज नंबर 295 देखना, रिवाइज करेंगे तो ये देखना है और फिर ग्राफ देखना। तो टेबल बना सकते हैं अगर आपको बनाना पड़ जाए, ये कैसे बना टेबल?
वही रहे, वो तीन चीजें आई है ना, कौन सी तीन चीजें आई, चार आई है बल्कि, ऑर्डरिंग ऑर्डर साइज लिखा है, होल्डिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट और टोटल की, बाकी बीच में तो वर्किंग्स है। तो ये देखना है सर जी दोबारा ऐसे रिस्क कवर करने के लिए, बल्कि एक छोटा सा काम और कर लें, पेन बटन 97 मतलब 5 मिनट और। ईओ क्यूब फार्मूला, एक फार्मूला पता है आपको क्या है, क्या है फार्मूला, इसकी डेरिवेशन छोटी सी लिखी हुई है पेज नंबर 97 पर। ईओ क्यूब कैन बी आइडेंटिफाइड पेज नंबर 97 के स्टार्ट कर रहा हूं। As of now, we have understood the relationship of holding cost, ordering cost, and order quantity. समझ गए हम? We have also understood that the total element cost is the sum of holding cost and ordering cost at EOQ level. Yes, sir. समझ गए हम ये? तो यहाँ से के is equal to total element cost is equal to annual holding cost plus annual ordering cost. कुछ abbreviations बनी हुई हैं। Total element cost के लिए TRC मतलब कुछ एब्रीवेशन की बेस पे फॉर्मूला बनने लगा। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट को क्या कहा उसको, और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट AOC। अब इससे आगे गौर से मेरी बातें सुने, बस अब बोर्ड पे देखिए नीचे वही हुआ जो मैं लिखने लगा। एक इक्वेशन बनी हुई है, क्या चीज किसके बराबर है, यूपी लेवल पे टोटल एलिमेंट कॉस्ट एनुअल होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट के सम के बराबर। अब आपको ये पता है होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है? Yes, sir. बताएं कैसे? एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे आती है? ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज को मैं अगर क्यू कह दूं, ऑर्डर साइज वो कह देता हूं, लेकिन नीचे क्यू लिखा मैं इसको क्यू कह दूं। एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आती है कैसे, नहीं नहीं मतलब एक पूरा करके ऑर्डर साइज को मैंने क्वांटिटी कह दी, ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। ऊपर देखे आपके पास, नीचे ना देखिएगा ऐसे, नीचे साइंस बनी हुई, मैं आर्ट्स कन्वर्ट कर लगा, ऊपर AHC लिखा है वह एनुअल होल्डिंग कॉस्ट, मैंने सिर्फ उसमें से HC उठाया, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहां से ये बन गए। प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे आती है, एनुअल डिमांड का A उठाया मैंने, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज को मैं क्यों दोबारा क्यों कह रहा हूँ, वो क्यों ही है, वही क्यों है, ऑर्डर साइज, ऑर्डर साइज एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज, ये मैंने क्यों क्या ज्यूम किए, वही जो पहले किए, वही जो पहले किए, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, ऊपर है AOC, वहां से मैंने OC क्यों उठाया, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ऑर्डरिंग कॉस्ट वो A लग के एनुअल हो गया, तो एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर साइज इनटू कॉस्ट पर ऑर्डर से क्या एनुअल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी, और क्या क्यू डिवाइड बाय टू ऑर्डर साइज डिवाइड बाय टू इनटू होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम से एनुअल होल्डिंग कॉस्ट आ जाएगा। ये अपने हाथों से लिखा जा रहा है, बल्कि एक सेकंड होगा, TRC इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट कॉस्ट। ठीक, अब ये सब कुछ जब मैंने आपके सामने लिखा है यहां से लेके यहां तक वही लिखा, yes, डिनोशन उसने लिखी है, इधर पढ़ना,
कॉस्ट पर ऑर्डर किसे कहा, होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट किसको कहा, एवरी स्टॉक उसने किसे कहा, एनुअल होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकाली, ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकाली, मैंने आखिरी लाइन बनवा दी आपको। ऑर्डर साइज डिवाइड बाय टू से एवरेज इन्वेंट्री, ठीक हो गया। देन उसके बाद एक लाइन देखो, कहता है बाकी अपनी ईओक्यू सॉरी क्यूएम की कुछ चीजें बता रहा है, तो डिफरेंशिएटिंग अब इसके नीचे एक्सप्लेन नहीं हुई है, डिफरेंशिएटिंग द अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू एंड सेटिंग द डेरिवेटिव इक्वल टू 0, बस यहां से फिर उसने क्यू कॉमन लिए, क्यू किसे कह दिया, ऑर्डर साइज, और ये इकोनॉमिक ऑर्डर साइज की हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसमें सिर्फ कौन सी दो चीजें रेलेवेंट है, होल्डिंग कॉस्ट और एनुअल, तो उसको बस जो भी इसने डेरिवेशन डिफरेंशिएशन की, तो ये फाइनली यहाँ से फॉर्मूला लेगा। मींस टू से फर्दर जो ये सॉल्व हुआ हुआ है उसको कोई एक्सप्लेन नहीं किया हुआ आपकी बुक में, तो मींस अगर कभी आपसे वो कहे कि कैसे ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, तो आपने एक फॉर्मूला ये बनाना, कौन सा एक ले लाइन जो मैंने हाईलाइट की इसको टिक लगा लें, ये जो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इक्वल टू है, वहां से इस तरह से इक्वेशन बनानी है, बना लेंगे और उसके बाद कह देंगे व्हेन डिफरेंशिएशन और फाइनल इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू ये, मैं जो बाकी है वो शायद कैलकुलेटर का काम है, क्यूएम का काम है, तो उसको फर्दर यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ। ये काम सिर्फ कब रेलेवेंट है, ये जो मैंने अभी आपके सामने बात की, ये कब रेलेवेंट है, इफ फार्मूला इज टू बी ड्राइव, इफ ईओ क्यू फार्मूला इज टू बी ड्राइव, तो कितने स्टेप्स बस मैंने बताए हैं, मेरे ख्याल दो तीन चले मैक्सिमम लाइने, एक टोटल एलिमेंट कॉस्ट वाली, एक उसकी एब्रीवेशन वाली और फिर फाइनली एक उसके आंसर वाली, और उसके दरमियान में एक छोटी सी लाइन है। तो वंस अगेन मकसद इसका सिर्फ क्या है, रिवीजन करते 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 दो मिनट पेज नंबर 295 पे, ढाई मिनट 296 पे और डेढ़ मिनट 297 पे गुजरते गुजरते लगने चाहिए। चलिए इस बोरियत को जरा यही खत्म करें, आज जो हमारे बहुत से क्वेश्चन पेंडिंग है उनमें से जरा तरतीब से गुजरा। जी कहाँ से शुरू कर रहे, मेरा बॉलिंग वन से शुरू कर रहे, बतूल से शुरू कर रहे, इसमें सर अपने बुक्स निकालना, क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर वन सीधा उसमें क्या मसला, एबीसी कॉस्टिंग हो रहा उसमें क्या मसला नहीं, सारा डेटा बिल्कुल ठीक है यार, ऐसे ये पेज नंबर बताइए, ये वो मेरे ख्याल कल डिस्कस कर लेता, मेरे पास उसका पेजेस नहीं है, या फिर मैं पहले ये बाकी काम करूं फिर मैं ले लेता पेजेस निकाल लेता। पेज नंबर 120 ऑफ द वॉल्यूम वन, जिसमें सबसे पहले तो एक्चुअल क्वांटिटी परचेज चाहिए थी, एक्चुअल परचेज ऑफ ईच टाइप ऑफ मटेरियल, वेरिएंसेस गिवन थे सर, रिवर्स वर्किंग करनी थी, कौन से मटेरियल है सर, दो तीन फिगर्स बता दो,
एक्स एंड वाई, एक्स के एंगल से प्राइस वेरिएंस गिवन था, जरा ढूंढने दे मेरे साथ दो तीन चीजें, प्राइस वेरिएंस गिवन था एट अ बस और क्वांटिटी वेरिएंस था निल, लेकिन पॉइंट वन नीचे स्टॉक्स थे, रॉ मटेरियल स्टॉक से मई डेट स्टैंडर्ड कॉस्ट, होपफुली कुछ याद आ गया तो ये कहानी मुका दें, पेज नंबर बता दें, कहानी मुका दें, पेज नंबर 120 सर, जी सर जी, प्राइस वेरियस का फॉर्मूला लग सकता है, स्टैंडर्ड रेट माइनस मल्टीप्लाइड बाय अब एक्चुअल क्वांटिटी परचेज हो जाना था यार, रॉ मटेरियल स्टॉक्स और मई डेट परचेज स्टैंडर्ड कॉस्ट, क्यों लगा रहे हैं सर जब लिखा हुआ सर रॉ मटेरियल स्टॉक्स और मई डेट स्टैंडर्ड है, ना करें जी सर, इसकी वर्किंग कैसे हो सकती थी, नहीं फिगर सॉल्व कर गए मैडम, फिगर्स गिवन है, ये दो तीन वर्किंग्स करवा देना जल्दी से, डेटा ढूंढे अपने की होंगी वर्किंग, जिन्हें की ढूंढने सर फिगर्स, स्टैंडर्ड रेट पर केजी 50, एक्चुअल रेट गिवन नहीं, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, अच्छा एक्चुअल परचेजेस का मतलब क्या है, क्वांटिटी क्वांटिटी अमाउंट, एक्चुअल परचेजेस ऑफ रिक्वायरमेंट की बात करें, एक्चुअल परचेजेस अमाउंट है, परचेजेस सेल्स अगर आपके सामने लफ्ज बोला था तो सेल का मतलब क्वांटिटी या अमाउंट, परचेजेस भी अमाउंट है, नहीं वो निकलेगा यहाँ से, ये नहीं मैं ये नहीं कर रहा, रिक्वायरमेंट क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज बता, अभी नहीं है, इसका आंसर है इसका आंसर क्या, इसका आंसर 95,000 एडवर्स फिर ब्रैकेट में, तो अभी मेरा ख्याल एज इट इज सॉल्व नहीं हो सकता, इसमें क्या मिसिंग है और एक्चुअल रेट भी मिसिंग है, देख लें पहले एक मिनट, आप डाटा देख लें, आपको डाटा नहीं, पहले डाटा जरा क्वेश्चन का पढ़ा जरा, ये फिगर जरा देख लेते, मैं मटेरियल एक्स की वर्किंग कर रहा हूँ भाई की, तो यहाँ क्या क्या मिसिंग है, रेट भी मिस रहेंगे, क्वांटिटी मिसिंग, अब हमें दूसरा फॉर्मूला जहन में लाना, यूजेज वेरियंस का फॉर्मूला बोला, अब यह एक्चुअल क्वांटिटी यूज दी मल्टीप्लाइड बाय सेंड रेट है, ऐसे ही इसका वेरियंस जीरो, व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी यूज्ड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन बता, ये एक्चुअल प्रोडक्शन 50,000 यूनिट्स, हां वो ठीक है वो आ जाएगा, वो ठीक है वेरिएंस अगर जीरो है तो वो वही होगा, लेकिन 50,000 के इनटू 6 ढूंढना, 300,000 केजी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड इनटू स्टैंडर्ड रेट पर केजी 50, वेरी जीरो,
अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज 3 लाख ही क्यों निकल आई है, 3 लाख ही क्यों निकल आई है? तो इस वेरिएंस से बताना क्या था, किसमें क्वांटिटी यूजर वेरिएंस है, तो क्या ही कितना यूज हुआ अगर वेरिएंस जीरो, स्टैंडर्ड ही एक्सेल अगर वेरिएंस जीरो। लेकिन अब ये है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड और स्टॉक का लेजर अभी आज ही आपने बनवाया है और स्टॉक्स रखे जा रहे हैं, मतलब ये तो वर्किंग करनी होगी। बाय डिफॉल्ट ना 365 दिन ही लेंगे यार, तो उसमें 20 दिनों का स्टॉक 25 दिनों का स्टॉक जो कहा हुआ, लेकिन कंजम्पशन ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। कंजम्पशन का मीनिंग ऐसा, तो इस तरह की बातें मेरे ख्याल रिपीट होगी नहीं। कंजम्पशन मतलब रॉ मटेरियल ने कंज्यूम होना, फिनिश गुड्स ने सेल होना, तो रॉ मटेरियल की कंजम्पशन जो होनी है 25 दिनों में और 20 दिनों में वो स्टॉक रखना है। फिनिश गुड्स का स्टॉक की बात हो रही है, रॉ मटेरियल का स्टॉक कैलकुलेटर पकड़ेंगे और वो भी स्टैंडर्ड कंजम्पशन 50,000 यूनिट्स है, 50,000 यूनिट्स है और मल्टीप्लाइड बाय 6 है, ये है सालाना कंजम्पशन और डिवाइड बाय 365 ही करेंगे आप, अगर डेज का पता नहीं है मल्टीप्लाइड बाय 25 करेंगे तो ओपनिंग आ जाएगा, 20 करेंगे तो क्लोजिंग। ये वर्किंग आपने करनी होगी, ये फिगर 240548 1648 एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड मींस कंज्यूम्ड। कैसे कैसे जो यूज होना है वही इस्तेमाल होना, जो यूज होगा तो कंज्यूम उसने होना, तो कंज्यूम निकाला आपने 3 लाख, तो यहाँ से परचेज क्वांटिटी आ जाएगी 295,890। ठीक है, और अब प्राइस वेरिएंस ही फाइनल हो सकता है, 50 माइनस एक्चुअल रेट मल्टीप्लाइड बाय 295,890 = 95,000, ए आर आ जाएगा फिर एक्चुअल रेट एक्स्ट्रा क्लियर उसमें वो ठीक है 50.32। दी वो एक्चुअल क्वांटिटी अवेलेबल है 295 परचेज क्वांटिटी इनटू 50.32। दरअसल वही टाइम लगाते हैं जहाँ जरा इम्पोर्टेंट है, मैंने भी वर्किंग इसलिए कर दी कि जरा आपके सामने फिगर्स आ रहा है। वाई की अब जरूरत तो नहीं, वाई में दोनों वेरिएंसेस हैं, शायद एडवर्स है तो नेगेटिव है, फेवरेबल तो पॉजिटिव है। ये रिक्वायरमेंट है बेटा कोई ऑनलाइन स्टूडेंट्स का, जी लेबर वेरिएंसेस में आ रहा है, लेबर रेट एंड लेबर एफिशिएंसी। सबसे पहले तो ये ज़हन में आना चाहिए कि स्किल्ड और अनस्किल्ड अलग-अलग अलग-अलग दो दफा वर्किंग होगी, क्यों रेट्स डिफरेंट है और स्किल्ड अलग है, जैसा मटेरियल ए हो मटेरियल बी हो तब उनके अलग प्राइस और यूजर वेरिएंस निकाल रहे हैं, इस तरह स्किल्ड अनस्किल्ड की वर्किंग भी लगा हो। इसमें है मसला, मसला असल में मेरा ख्याल नहीं है इसमें यार मसला, असल इशू वेरिएबल फैक्ट्री रेट्स में मेरा ख्याल है, आप बता देंगे लेबर में आता, लेबर में तो ये इधर नीचे पॉइंट नंबर 3 में है, कैलकुलेटर पकड़ 168,000 स्किल्ड अनस्किल्ड में डिवाइड करने पड़े थे, रेशो सेम ही थी, तो 3/7 एंड 4/7, तो ये जरा आंसर बता दीजिएगा कितने कितने 72,000 एंड 96,000 एक्चुअल आवर्स वर्क नहीं। ठीक है, तो अभी आपके पास स्टैंडर्ड रेट 150 लेता है, 100 लेता है और उसके अलावा एक्चुअल आवर्स वर्क भी हैं
एक्चुअल रेट भी है? हाँ जी वो पता है ना, ठीक है। हाँ एक्चुअल रेट्स भी है और 10% 5% आया। मैं कहा लेबर में तो मसला नहीं होगा, कैलकुलेटर पकड़ जरा, लेबर का एक्चुअल रेट बता। लेबर का एक्चुअल रेट 150 इंटू 1.1 एंड 100 इंटू 1.0 ये बनेगा 165 एंड 105। ये फाइनल बता दी, मेरा ख्याल है मैंने देख लिया, मुझे लग रहा है कि लेबर में शायद टाइम का वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर है किसी की कंफ्यूजन तो बताओ। ये दो चीजें, नंबर एक अलहदा अलहदा क्यों होना, स्किल्ड अनस्किल्ड अलहदा। वैसे ये जिस तरह अगर मटेरियल एक से ज्यादा तो उसकी अलहदा वर्किंग कर रहे हैं, इस तरह लेबर भी अलहदा अलहदा और अलहदा आज निकल भी सकते हैं। अब अरे वेरिएबल ओवरहेड्स की वर्किंग करवाता हूं। वेरिएबल ओवरहेड्स की फिगर जरा सॉल्व करवाता हूं। प्लीज अब छोड़ दें, आपने जो किया हुआ है वो ठीक है, एक दफा दोबारा सोच लें। मैं फॉर्मूला से फाइन करवा सर, अगर इंफॉर्मेशन और ओवरहेड वेरिएंसेस लिखा हुआ तो ओवरहेड में वेरिएबल फिक्स दोनों आ जाते हैं, और अगर दोनों आ जाते हैं तो बस इसमें कौन कौन सा निकालेंगे, बस ब्रेकअप एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एक्सपेंडिचर वॉल्यूम। अब वो शायद उधर मसला नहीं था, वो भी बात कर रहे थे, फिक्स की बात बाद में कर लो। एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला था स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। और एफिशिएंसी का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड वर्क माइनस एक्चुअल वर्क फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड ये एक्सपेंडिचर वेरिएंस में स्टैंडर्ड रेट बताया। अब यहाँ मसला अच्छा जानबूझ के मैंने कुछ चीजें आपसे ऐसी पूछी जो आपके जहन में अगर नहीं भी आई तो जरा सोच ले जाओ। अलहदा अलहदा रेट दिया हुआ है 100 और 80, तो कर लेते हैं 180। पढ़ के बताए रीजन, अगर हम ये कर लेंगे ना तो और एक्चुअल आवर्स वर्क लेंगे 168,000 फिर वही देंगे ना, तो ये 180 उन सबसे मल्टीप्लाई है। हालांकि उनमें जो अनस्किल्ड है और स्किल्ड है उनसे अलग अलग 100 और 80 ने मल्टीप्लाई होना, ये 180 दोनों तरह के आज से जरा खा जाएगा। देख पहले ये दे, बस ये शायद वाई वी कैन नॉट कंबाइन दिस रेट। इसमें 100 ने सिर्फ मल्टीप्लाई होना है उन आज से जो स्किल्ड वाले हैं शायद, और रिमेनिंग 80 ने मल्टीप्लाई होना सिर्फ अनस्किल्ड, तो इसके अंदर दोनों है। तो अगर हम 168 टोटल लिख लेंगे तो 180 मतलब दोनों के साथ समझेंगे, दोनों के साथ कंबाइंड रेट लगे। तो देर पर हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग कर सकते हैं, हमारे पास इंफॉर्मेशन है सर। कैसे 100 माइनस एक सेकंड, इसके बाहर जाएगा 72,000 और 100 माइनस सॉरी 80 माइनस इंटू 96। अब यहां हमें क्या चाहिए, एक्चुअल रेट। अब एक्चुअल रेट पे अब हमें एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट पता कितनी, ये स्किल्ड आवर्स की है या अनस्किल्ड, तो क्या डिवाइडेड बाय ये हो सकता है 168,000। अब ठीक है, अब एक्चुअल रेट अलग अलग बताएं कैसे करें, तो मतलब हम मजबूर हैं इस वक्त, इसलिए एक और तरीका फिर मैं बताता हूँ। लेकिन क्या वैसे ये इस तरह से डिवीजन हो सकती है, एक एवरेज रेट आएगा यहाँ से, कोई एग्जैक्ट रेट नहीं आएगा स्किल्ड अनस्किल्ड का, एक एवरेज रेट ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड आएगा। असूलन क्या होना चाहिए था, ये ब्रेकअप होना चाहिए इस अमाउंट का विद रिस्पेक्ट टू स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेदर असूलन, तो वो इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन वो हो सकता है, शायद एक काम और हो सकता है, तो वो कर लेते हैं।
लेकिन यहां से क्या अगर कोई रेट आए तो वो गलत रेट होगा? हाँ वो सही नहीं होगा, मीन्स उसे अगर अलग अलग सोचा जाए स्केल्ड अनस्केल्ड का अलग अलग सही नहीं होगा, ऑन एवरेज दोनों का, और हमें मजबूरन फिर वो दो भी ऑन एवरेज होगा दोनों में यूज करना पड़ेगा। अकेले लगा मुझे लगा हमेशा ये प्रॉब्लम, मैं चाह रहा हूँ पहले प्रॉब्लम समझ जाए, मतलब बाकी तो ठीक है कोई ना कोई तरीका अपने आंसर में से देख लिया हो, लेकिन प्रॉब्लम असल में क्या है, क्या उस तरह रिजॉल्व हो सकती थी? नहीं मेरा ख्याल उस तरह नहीं हो सकती थी 180 इकट्ठा करके, वो जो मैंने पहले बताया था, क्या इस तरह एक रेट आ जाएगा? लेकिन वो एग्जैक्टली वो नहीं होगा जो हमें चाहिए। एग्जैक्टली वो कौन सा चाहिए हमें? स्किल्ड लेबर के आवर्स में वेरिएबल और रेट अलग, जो 100 से कंपेयर हो सके, और अनस्किल्ड लेबर आर रेट एक्चुअल अलग, ताकि वो 80 से अलग कंपेयर हो सके। इस केस में मतलब एक मिनट सॉल्व करिएगा तेरा आंसर, ये फिर हम मजबूरन दोनों में लिखेंगे, यहां भी वही होगा नाइन जो भी 99 पॉइंट समथिंग आ रहा है, यहां भी वही होगा जो भी वो आएगा वो, हम हमारे पास फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं है। एक काम ये हो सकता था, आपको ये पता ये 16 जो है 16680000 ये बना कैसे होगा? आर्स वर्क होंगे और इनटू एक्चुअल रेट होंगे, और दोनों ही होंगे, दोनों ही होंगे लेबर स्किल्ड वाले भी होंगे अनस्किल्ड भी होंगे, और जो भी इनके रिस्पेक्टिव रेट्स हो मल्टीप्लाई होंगे। तो ये जो हम ब्रैकेट बनी हुई है नहीं, ये हमने पहले जब शुरू किया था वहीं से पहले अलग ही बनाया था, फिर इकट्ठा कर दिया था, इसे कॉमन लेके बनाया हुआ। ये ब्रैकेट खुल सकती है, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क एंड माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स वर्क, इसका खुलने से क्या हो सकता है? 100 एक्चुअल आवर्स वर्क हमें पता है कितने कितने बता दे, 72,000 इनटू 100, लेकिन यहां तक बात पूरी नहीं होगी, प्लस ये फिगर सुनने जरा कहां से ले रहा हूं, ये 72,000 के एक्चुअल आवर्स वर्क है और 100 के ये स्किल्ड वाले एक्चुअल आवर्स वर्क ने, स्किल्ड का स्टैंडर्ड रेट है। लेकिन बात अभी पूरी होगी, करवाएं आप पूरी, 96,000 इंटू 80, इससे आएगा क्या? नहीं सर, स्टैंडर्ड रेट और सर स्टैंडर्ड रेट पूरा कमाल, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड सर, पूरी ब्रैकेट सॉल्व है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड जाता है। क्या इस वक्त जो रेट मैंने लगाया ये 80 और 100 ये सही जगह लगाया? एक्चुअल आवर्स वर्क का तो ब्रेकअप है ना, मैंने ब्रेकअप करके 100 और 80 रख दिया, तो यहां से क्या चीज आ जाएगी? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल आवर्स वर्क, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स इन एक्चुअल आवर्स वर्क। और नेक्स्ट जो ब्रैकेट है इसका हमें पूरा आंसर पता है, 16680, मतलब अभी मैं इसे सेग्रीगेट करने की जरूरत क्यों नहीं, इसको 16680000 का सेग्रीगेट करने की जरूरत क्यों नहीं रही, क्योंकि अभी कंबाइन उस स्टैंडर्ड से कंबाइन कंपेयर हो सकता है, मतलब स्टैंडर्ड आगे ऑफ ऑल आवर्स वर्क और ये क्या है एक्चुअल ऑफ ऑल आवर्स वर्क, इस तरह से करके एक वर्किंग हो सकती है। हमें करना क्यों पड़ रहा है मेरे इधर उधर, ये पहले फाइनल बता दो, थोड़ी सी और दर बात, हाँ ठीक है, 1660 जो है 16680000 इसकी हमारे पास सेग्रीगेशन नहीं है बिटवीन वेरिएबल ओवरहेड्स इंकर्ड इन एक्चुअल आवर्स इन इन स्किल्ड लेबर आवर्स एंड इन अनस्किल्ड लेबर आवर्स, तो उसी की वजह से या तो ये ब्रैकेट खोल के सॉल्व करना या फिर इसे एवरेज लेकर कर, बाकी इसको एज सच अब लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है कि मेरा ख्याल ये एज इट इज लिखा हुआ नजर आ रहा है, मैं वहीं से देख लिखा, मैंने लेकिन एक्सप्लेन कर दी उस तरह या उस तरह, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए वैसे क्यों नहीं। मुझे मैंने एक और बात आपके सामने रखी थी कि हम सीधा इस तरह कर लेंगे, इस तरह इतना बड़ा जो हमने किया 180 इंटू 160 कितना था टोटल, टोटल आज बताइए 168, तो इससे ही कर लेंगे, हाँ जी जो 700 है उसमें सिर्फ 72,000 से होना और जो 980 है उसमें सिर्फ 96 से होना, इस तरह करने से का मतलब होगा कि सब आर्स का रेट 180 रुपए हो गए, हालांकि स्किल्ड आर्स का रेट 100 है,
और अनस्किल्ड आवर्स का रेट 80 है, मिला के 180 हो जाना है, तो ये नहीं हो सकता जी। एनी फाइनली कंफ्यूज, मतलब अब इन चीजों को इस तरह से सॉल्व करने का मकसद ये है कि जो ये जो इश्यूज आ रहे हैं, बस इन्हीं को फिर बाद में एक एक मतलब दोबारा देख लीजिए कि इस तरह से तो मिलता जुलता अगर कोई सिनेरियो आ जाए तो उसको बंदा को रीजनेबली टैकल करने की पोजीशन में आ रहा है। जी ठीक है बेटा, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आएगी बात, बाकी मेरे ख्याल एफिशिएंसी भी नहीं समझ में कोई इशू नहीं है उसमें, असल में वहां तो रेट अलग था ना, स्टैंडर्ड रेट अलग था, तो वहां दो स्टैंडर्ड रेट थे, चले करवा दे वर्क एक्चुअल प्रोडक्शन का। अब इसके तो रहता दिया होता ना 1.5, क्या था 1.5 एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू इनटू वन यूनिट रिक्वायर्ड हाउ मेनी आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स वर्क, ऐसे ही होना ना, ये तो लेदर लेदर हो सकता ना यार। 50,000 इंटू 2 माइनस 96,000 आवर्स, ये तो लेदर लेदर सॉल्व हो सकता है, इंटू 100 है इंटू 80। असल में यहाँ हमें वो एक्चुअल रेट की जरूरत नहीं ना पड़ी, यहाँ स्टैंडर्ड रेट की जरूरत है, स्टैंडर्ड रेट अलग अवेलेबल है। एक्चुअल रेट का असल इशू है, एक्चुअल रेट पर स्किल्ड एंड एक्चुअल रेट पर अनस्किल्ड आवर्स की इंफॉर्मेशन नहीं, क्योंकि खर्चा इकट्ठा दिया गया। बाकी बता दें जी और कुछ फिक्स्ड में हो गया होना वैसे यार, टाइम वेस्टिंग है, लेकिन इसमें वो वॉल्यूम वेरियंस क्यों नहीं था, एक लाइन ऊपर वाली पढ़ के बता। नहीं नहीं ऊपर वॉल्यूम अप्लाइड नहीं है, वॉल्यूम वेरियंस क्यों नहीं था, वो ठीक है अप्लाइड, लेकिन असल गेम और है, ढूंढ के कहीं बताएं वॉल्यूम वेरिएंस जीरो क्यों है इसमें। एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड के बराबर है, वॉल्यूम वेरिएंस में वो ठीक है अप्लाइड कैलकुलेट होता है, बजटेड कैलकुलेट होता है, लेकिन जो डिसीजन है वो तो एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन से होती है। तो एक पहला पॉइंट है मेरे ख्याल ऊपर, 50,000 यूनिट्स क्या और क्या थे, एक्चुअल प्रोडक्शन किसके बराबर थी, जी कोई अन्य देर कर करने जरूरी है सर। अगला बताइए तो नहीं नसीब ही रहना, वो नसीब का कोई नसीब का नसीब से मिलते जुलते एक सवाल और करना भी उस जमाने में सही करना। नसीब से पहले इस आग ढूंढना, वो दो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो फैक्ट्री रेट्स के, नहीं जो आपके आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट है मैं पहले वो ढूंढ रहा हूँ। ये जो खास अब जो रहेगा ना हमारा काम, ये छोटे टॉपिक्स बस रहेंगे, मेन काम वो रहेगा आपका अगले हफ्ते में, ये जो मटेरियल वगैरह के हैं लेबर के हैं इनके क्वेश्चन बस आपने करने हैं साथ साथ। ये इस आग साहब ढूंढे और एक और तो वहां पर 372 373 373। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन अभी हो सकता है कि आप इसे इंडिविजुअली सॉल्व ना हो, लेकिन कम से कम इतना कर लेना चाहिए कि जहां प्रॉब्लम आए वहां कोई आंसर से हेल्प ले लेनी चाहिए। इस इन क्वेश्चन को करने का मकसद ये है कि अभी फिलहाल आपका कोई समझने का स्टाइल बन जाएगा, ठीक है, मतलब समझने का स्टाइल में कैसे कैसे वर्किंग हुई हुई है, बड़े अजीब अजीब तरीके से वर्किंग हुई हुई वैसे ही। ये वेरिएंस से ज्यादा मुश्किल सवाल था मेरा, नसीब चलो थोड़ा सा कम कर लेते हैं। नंबर 373 एक मिनट कहां है, जस्ट एक सेकंड आप उसने जरा क्वेश्चन पढ़ लेना, कुछ याद अगर कुछ चीजें अगर रिवाइज होने आपके जाएंगे जानिए सर, आप भी जरा 373 पेज पर
चलिए सर जी स्टार्ट में, जिसमें दो ऑप्शंस कौन कौन से हैं? एक था वीकली बोनस और एक था डेली बोनस। जी बताएं वीकली बोनस में है क्या पैसे? ऑनलाइन स्टूडेंट्स जरा हेल्प कर दो। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन पर आर इज 50 बॉटल्स, एक हफ्ते में कितने घंटे काम होना था? हफ्ता ही है ना, बल्कि सॉरी मंडे टू फ्राइडे तो था, जी इसमें मेरा एक हफ्ते में 45 घंटे, 20 एम्प्लॉय से पहले 50 बॉटल्स हर घंटे में, तो 2250 क्या बन जाएगा? बॉटल्स टू बी प्रोड्यूस्ड बाय वन एम्प्लॉय पर वीक और 20 एम्प्लॉय से शायद, तो 45,000 था स्टैंडर्ड और 40,000 समथिंग एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है, एक्स्ट्रा प्रोड्यूस में उसका फिर एक बोनस था। चलो सेकेंडरी वर्किंग किस तरह करनी थी? डेली के हिसाब से देखें जी। जी नहीं हम लोग मतलब एक नजर देख लें, बाकी अगर इशू है मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा। जी सर ये दिया हुआ है प्रोडक्शन फॉर द फर्स्ट वीक अंडर द 100% बोनस प्लान। एक मिनट जी सर जी, हमें नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से शायद नहीं बताया हुआ कि कितना काम, हमें एक यूनिट का बोनस बताया ना, हमें सिर्फ 150 रुपए पर आर पता है, तो 100% का फिर ये मतलब है कि जितने आर सेव होंगे, यूनिट्स का तो रेट हमें पता ही नहीं, यूनिट्स का भी रेट हो सकता है लेकिन यहाँ आर्स का रेट है, तो 100% बोनस प्लान का मतलब फिर जितने आर सेव होंगे उसके हिसाब से फिर 100% बोनस प्लान में 150 रुपए मिलेगा, आर सेव 150, ये हाफ भी हो जाता है पता नहीं, 150 80% भी आया था एग्जांपल। जी डेली में सर, डेली डेली डेली। अच्छा इसमें एक रीजन ऑफ डिफरेंसेस ने पूछा था, ये समझ आया ये क्या हुआ? इसकी जरा रीजन बता दें जी। वीकली जब मिल रहा है तो शायद अच्छी परफॉर्मेंस और बुरी परफॉर्मेंस नेट ऑफ हो रही है, नेट ऑफ हो रही है, और जब डेली के हिसाब से बोनस मिल रहा है तो जिन दिनों में प्रोडक्टिविटी कम है वो इग्नोर हो रहे हैं, वो इग्नोर, एम्प्लॉयज बड़े तेज है लगता है, आप जैसे किसी नौजवान से मिले थे वो इस चीज में इंटरेस्टेड थे कि हमें डेली बेसिस पर बोनस मिले, तो उसकी क्या वजह थी कि डेली बेसिस पर बोनस ज्यादा बन रहा है और वीकली पे कर रहा है? कुछ दिन बीच में ऐसे भी थे जिनमें एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से कम थी, लेकिन अगर डेली वर्किंग करेंगे तो वो इग्नोर हो जाएंगे क्योंकि पेनलाइज करने वाली बात कोई नहीं थी, लेकिन जब ओवरऑल आप देख रहे हैं पूरे हफ्ते इकट्ठा करके तो अच्छी और बुरी परफॉर्मेंस नेट ऑफ के कम बोनस मिलता है, ये वाली बात समझ आ गई थी, असल ये थी मेरा शायद जी। अब फाइनल है प्लीज एक क्वेश्चन साहब, मिस्टर इसाक साहब जर्नलिस्ट से पूछो। इसमें जरा एक दो चीजें टफ है दे मेरे सब पढ़ें। अच्छा इससे इसके बाद हमारे क्वेश्चंस कौन कौन से, एक मिनट जरा निसीब के अलावा टपास के अलावा एक्सप्रेस और टपास ही है, साहिल की बेबी तो साहिल और नसीब के अलावा
नहीं एक्टिविटी कॉस्ट बेस तो ऐसे ही फंसा है, पता नहीं समझ आ रहा, वो मैंने कल देख देखा भी, कल उसके रहने नसीब और साहिल के अलावा हमारा इस वक्त है प्रपास और एक्सप्रेस वे, ठीक है लगाएं से 5 मिनट एक नज़र पढ़ने, इसमें मेरे पहले तब एक सवालों के जवाब दीजिए, ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे करंटली 375 पर। लिखा है कंपनी मैन्युफैक्चर 3 कंपोनेंट्स ए बी एंड सी ड्यूरिंग अ वीक द फॉलोइंग वर रिकॉर्डेड, कोई लेबर के ग्रेड्स होंगे ग्रेड 1 टू 3, उसके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रेट पर आप दिए इंडिविजुअल वर्क का मतलब एक वर्कर के हाथ से एक्चुअल आउटपुट एंड स्टैंडर्ड टाइम्स। अब कंपोनेंट 3 है, उनकी आउटपुट दी हुई है, उनके स्टैंडर्ड मिनट्स पर कंपोनेंट दी है, अगर आवर्स बनाने होंगे तो डिवाइड बाय 60 करें। नॉर्मल वर्किंग वीक इज 38 आवर्स, ओवर टाइम इज पेड एट अ प्रीमियम ऑफ, अच्छा अगर ये आगे ना भी लिखा ना आप नॉर्मल आर्ली रेट को अंडरस्टूड, आर्ली रेट नॉर्मल का अच्छा प्रीमियम का मतलब 50% ही देंगे एक्स्ट्रा 50 देंगे तो नॉर्मल से ही होता है 1.5 होना 1.5 टाइम्स। तो वो कहता है ग्रुप इंसेंटिव स्कीम इज इन ऑपरेशन एंड अ बोनस इज पेड बेस्ड ऑन द टाइम सेव्ड, द रेट ऑफ बोनस पेमेंट इज 75% ऑफ द नॉर्मल रेट, टाइम सेव्ड इज एलोकेटेड टू ईच लेबर ग्रेड इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय ईच ग्रुप। यहां से लग रहा है कि शायद ये जो कंपोनेंट्स हैं ये को मिलजुल के बनाए जाते हैं, टाइम जो सेव होगा वो ईच ग्रेड को लेबर के ग्रेड को प्रोपोर्शन होना है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स वर्क बाय ईच, और फिर शायद इनका बोनस निकलेगा। तो ये शायद काफी डिस्टर्बिंग सा था बीच में, हमें करना क्या था टोटल showing basic overtime and bonus pay for each grade of labor. नहीं मतलब ये 3 काम करें, तो ये जरा मुझे जरा सारी फिगर्स आपने अगर आंसर कहीं सॉल्व किया सबसे बेस्ट है, और अगर आंसर नहीं सॉल्व किया हुआ अच्छा आंसर आपके पास समटाइम टेबल बना होता है कभी कुछ बना होता है, आपने अपने तरीके से कंडी वर्किंग करनी है, ये डेफिनेटली आंसर बनाते हुए कभी कभी वो टाइम सॉरी स्पेस को कम यूटिलाइज किया गया होता है, लेकिन आप जब तक खुल खुला के वर्किंग नहीं करेंगे कभी नहीं समझ आएंगे, और फिर भी समझ आ जाए तो ऑनलाइन मार्कल फिर भी रब का कर्म ही है। तो अब आप अपनी वर्किंग देखेंगे जो आपने की, चार तरह के लोग हैं सर, चार तरह के ग्रेड हैं सर स्किल के हिसाब से, 6, 18, 4, 1 में कोई मसला नो सर, रेट पर आर में कोई मसला नो सर, 40, 32 38, 28 and 16 in normal working hours 38 38 38 38 कहाँ से आया, एक वीक में 38 घंटे, ठीक है सर, लेकिन इंडिविजुअल आवर्स वर्कड कितने 40 42, ये ढूंढते रहे आप कहाँ कहाँ चीजें, आप क्वेश्चन देखें किसी ने अगर नहीं भी सॉल्व किया क्वेश्चन से ढूंढिए 40 42 नॉर्मल वर्किंग आवर्स हैं 38 38 रिस्पेक्टिवली और काम हुआ हुआ गिवन आपको। तो सबसे पहले तो यहां से अब हम वर्किंग कर लेते हैं कि बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी कैसे कर ले कैलकुलेटर पकड़ो, 6 बनते हैं ग्रेड 1 की वर्किंग करें, 6 एम्प्लॉइज है, 40 घंटे काम किए और रेट भी 40, सिक्स इंटू 40 इंटू 40 40 आवर्स है और 40 ही रेट है 9600 समझ आ गए, ग्रेड 2 करवाएंगे सर 18 इंटू 42 इंटू रेट 32
ये फिगर सॉल्व करते रहना। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स को समझ आ गई थी प्लीज, बेसिक पे समझ आ गई, बेसिक पे समझ आ गई। आप आज पहले जरा ओवर टाइम की वर्किंग करें, ओवर टाइम है क्या? कैसे निकलेगा? 40 माइनस 38, 42 माइनस 38 एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक वर्किंग करवा दें जरा ग्रेड वन की। नहीं आ रहा आराम से, 2 घंटे 6 लो 40 रुपए, अच्छा इंटू 50%। अच्छा ये वाली जो वर्किंग होती है ना, बार बार आप कंफ्यूज ना कीजिएगा, ये पहले भी आप लोग पूछ रहे थे, ये मैंने 1.5 क्यों नहीं किया? हम कर सकते हैं लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम 50% ही। अगर वो आपसे पूछे ओवर टाइम वेजेस तो वो यकीनन 1.5 है, लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम उसी अमाउंट को कहते हैं जो एक्स्ट्रा है। तो क्या सिर्फ एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं या जो अदरवाइज है वो बेसिक पे में शामिल हो गया हुआ? बेसिक पे में वो 40 घंटों का जो 2 घंटे एक्स्ट्रा थे वो शामिल है बीच में, तो आप उसको बेसिक में इसलिए कंसिडर कर रहे हैं और इसको लेते इसलिए कर रहे हैं 50%, क्योंकि उसने प्रीमियम अलग मांगा। ये मैं उन क्वेश्चन में भी आया था जो पहले इनिशियली मैंने 2 दिए, अब ये वाली कंफ्यूजन तो नहीं? ये ऑनलाइन स्टूडेंट समझ आ गए? डेफिनेटली अगर वहां 38 ले लें तो यहाँ इंटू 1.5 लेंगे, लेकिन वो सिर्फ लेकिन ओवर टाइम प्रीमियम नहीं आएगा, वो ओवर टाइम के टोटल वेज आएगा 1.5 का। जी ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी देन आ जाए एक बार की गौर करा दे ग्रेड टू की तरफ। नहीं मत 18 4, 4 घंटे इंटू 18 लो इंटू 32 रुपए रेट और 50% प्रीमियम। ठीक है, ओवर टाइम प्रीमियम फाइनल? जी ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स देन आ जाए जरा बोनस। अब बोनस बोनस की वर्किंग थोड़ी जरा चैलेंजिंग है, कंसंट्रेट कीजिएगा। लेकिन बोनस पहले है किस पे, ये ढूंढना जरा दोबारा। आर सेव की पहले गेम चलानी पड़ेगी। जी 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 आर सेव, अभी तो डेटा दोबारा देखो। आर सेव निकलना था सर, टाइम लगा कितना हुआ है किसी को ये पता? टाइम टेकन कितना है? अब ये जो वर्किंग है इस वक्त ये लेबर के ग्रेड वाइज नहीं हो सकती, नहीं वो बाद में एलोकेट हो गए, उसकी क्या वजह है? नहीं नहीं उसकी वजह है सर, उसकी वजह नहीं उसकी सर वजह है, डाटा देखा था। क्या हम ग्रेड वाइज पहले ही वर्किंग करने की पोजिशन में है? ये इधर देखा। हाँ जी, असल में जो यूनिट्स है ना, जो ए बी सी जो कंपोनेंट्स बन रहे हैं, ये लग ये रहा है इस डेटा से कि आउटपुट बनती है इन सारी ग्रेड को मिला के। ये कैसे पता चला मुझे, ये पहले दिन पता मतलब उससे अब ये जो दिया मैंने 444 यूनिट, 900 यूनिट, 480 यूनिट, ये ग्रेड 1, 2, 3, 4 के नहीं है, ये कंपोनेंट्स डिपार्टमेंट्स कह लें या मेरा जो चीज बना रहे हैं शायद उसके यूनिट्स है। ये 444 के कंपोनेंट्स हैं प्रोडक्ट एक है, और 900 मतलब इनका जरा स्टैंडर्ड टाइम निकालना, 400 इनटू क्या करेंगे, नहीं 0.5 ना करें मतलब बोल दो 444 इनटू 30/60। आर्स क्यों बना रहे हैं वैसे, बाकी भी सारा डेटा आर्स में है, बाकी भी सारा डेटा आर्स में है,
900 into 54 into 60, 480 into 66 by 60 by 60 by 60 by 60 से क्या हो रहा है? इसका जरा सम बताएं मुझे। 1560, ये क्या है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर दीज कंपोनेंट्स, बट आर एक्चुअल आवर्स ऑफ दीज कंपोनेंट्स। अब ग्रेड्स नहीं, अब ग्रेड वाइज नहीं चल सकता मैं। ये 1560 घंटे किसे लगे? कंपोनेंट, सॉरी, लगने चाहिए थे कंपोनेंट्स को। तो इन कंपोनेंट्स को बनाने में हमारा टाइम लगा कितना? लगा कितना है? 1200 घंटे कहाँ है? वो एक आपके पास एक ई वर्किंग हुई है। ई वर्किंग का मतलब ये है कि जरा ग्रेड वन फॉर एग्जांपल अगर हम करना चाहें तो ग्रेड वन के एक बंदे ने कितना टाइम काम किया? 60, और 6 बंदे थे तो 240 घंटे ये बना। ग्रेड टू की क्या है वर्किंग? 42 into 18, ये बन गया 756। 40 into 4 160 160 and 44 into 1 so 44, तो 1200 घंटे लगे हैं इन एबीसी कंपोनेंट्स को, लगे हैं, और स्टैंडर्ड के मुताबिक लगने चाहिए थे 1200 के अगेंस्ट 1200 लगे हैं और 1560 लगने चाहिए थे, तो कितने कम लगे हैं? ये 360 है वो जो टाइम सेव। तो why we are not in a position according to this data कि हम grade wise working कर सकें, क्योंकि शायद grade one, grade two, grade three, four अलग 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 component ही बना रहे। looks like that कि शायद ये सारी grades मिल के कोई ABC component बना, और therefore फिर अब last sentence होने requirement के ऊपर। हाँ जी, मतलब वो therefore उसने क्या कहा आपसे कि अब इस टाइम सेव्ड को, the time saved is allocated to each labor grade in proportion to the number of hours worked by each group. यानी कि अभी से proportion करना पड़ेगा 360। नहीं वो हो जाएगा, वो इतना issue नहीं है, मतलब लेकिन करना पड़ेगा। और शायद डेटा हमारे पास आ गया, तो मतलब आप ये कैसे हो ग्रेड वन में कितने आर सेव्ड एलोकेट हो जाएंगे? ये सेंटेंस सही पढ़ेंगे नहीं? आखिरी सेंटेंस, टाइम सेट इज एलोकेटेड इन प्रोपोर्शन नंबर ऑफ आवर वर्क बाय ईच ग्रुप। सो व्हाट आर द नंबर ऑफ वर्क्स आर ऑल बाय द ऑल ग्रुप्स? 1200, तो 240 के है, तो ठीक है, ये प्रोपोर्शन सही बना रहा हूं। 240 डिवाइड बाय 1200 इनटू 360, ये एलोकेट हो जाएगा 72 घंटे। अज्यूम्ड है कि आर सेव की है ग्रेड 1 में। जॉनी सर समझ आ गई? ये था मेरा लेसन चैलेंज। 756 डिवाइड बाय 1200, नहीं, अब जो कंफ्यूजन थी खत्म होगी प्लीज। जॉनी स्टूडेंट्स, बाकी इसको लगेट हो जाएगा मेरा ख्याल 48 and 13। आखिरी स्टेप करवाना, नहीं बस एक बार की करवाना। 72 आर सेव्ड का लाइन पढ़ के बताएं क्या करूं? इनटू 40 और उसको फिर 75% बोनस देंगे। 216 and 100। अब ये अगर वर्किंग हुई, आपने अगर लिखनी है तो लिखो, बाकी लिखी तो ये, लेकिन कोई अपना आंसर यहाँ लिखा हो तो। ये ऑनलाइन सुनना पाने वापस, बाकी आंसर यकीनन ठीक है, जरूरत पड़ती है समटाइम्स, लेकिन अपना तरीका जो है ना वर्किंग का, उसको बार बार बदलने की जरूरत नहीं। जिस तरीके से आप करें वो ठीक है, ये सिर्फ समटाइम्स है अगर कोई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस वगैरह बनानी है, वो तक फॉर्मेट हो सकता है, अदरवाइज
ये वर्किंग अपने अपने तरीके से हो सकती है, बस प्रेजेंटेबल होनी चाहिए। चलेगा, नोट करके मुझे बता दें ताकि फिर एक्सप्रेसो पर पहुंचे। थक गए सर? वही सर, बंदा थक ही जाता है, क्या होगा। ये 329 सर, जनरल स्टूडेंट्स के ये एक्सप्रेसर पे एक मिनट आ जाए। एक्सप्रेसो की रिक्वायरमेंट ए में मसला, असूलन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट वेरियंस कौन कौन सा निकालना, अंडर ऑल अप्लाइड का फॉर्मूला बोला पूरे वर्ड्स के साथ, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और देन उसने कौन कौन से वेरिएंस मांगे, वॉल्यूम की जगह उसका ब्रेकअप मांगा। तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट, स्टैंडर्ड रेट पर आर, इसकी तो बहस की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट है, देन सर ये दूसरा जो बी पार्ट में आ, सबसे पहली चीज जो आप कहीं इधर नोट भी करें, अपने नेक्स्ट ईयर का अब्सॉर्प्शन रेट जो निकालना है उसका फॉर्मूला बोलने दो, बजटेड फैक्ट्री फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ही होंगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड डिवाइड बाय बजटेड आवर्स या यूनिट्स, ये भी बताएं। मेरा ख्याल है बताया हुआ उसने, नहीं बेटा हो तो दोनों सकते हैं, लेकिन उसने कोई बताया हुआ कि मशीन आवर्स की बेस पे रेट निकालना है, तो सेंटर में लाइन पढ़ दो, पढ़ो तो सही, होने को क्या नहीं हो सकता, होने को सब कुछ हो जा सकता, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दरमियान में कहता है absorb overhead by using pre-determined machine hours. वो ठीक है, हमें जब A part करना पड़ा है तो हमें per unit बनाना पड़ा है, वो गलत issue है, लेकिन हमने according to question rate per machine hour बताना है, ठीक है? तो formula क्या है सर? अब formula तो बोल दो। Budgeted fixed overheads। अब ये next year की working थी। Budgeted fixed overheads डिवाइडेड बाय बजटेड मशीन आवर्स, क्यों जी? उसकी बेस पे एक अब्सॉर्प्शन रेट निकालना था, आपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन लिखा हुआ था कि मिल गया कहीं जहाँ कर। अब नेक्स्ट ईयर की वर्किंग है, सबसे पहले ये बता दें पिछले पीरियड के फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, ये ढूंढने वाला चीज है। नहीं, सबसे पहले अब एक सवाल भी उठना चाहिए यहाँ कि हम अगले पीरियड का बजट तबे पिछले पीरियड के बजट से आगे जाएं, असल में तो ये सवाल था, बाकी तो इतना बाकी अगर आपने नहीं किया तो वो जाती ही है, क्योंकि बाकी चीजें बाकी सर रिपीट हो गई, मैं अभी सामने रख देता हूँ आपके ऊपर जाएगा। थर्ड ग्रेड पढ़ा एक्चुअल दिए में लास्ट ईयर के 41.2 मिलियन,
और आपने लास्ट ईयर के बेस पे रिक्वायरमेंट ए कर ली है, इससे ऊपर लाइन में 1250 एक अब्जॉर्प्शन रेट दिया हुआ था, 1250 पर मशीन आर, पर मशीन आर। तो बजटेड आवर्स ढूंढने से पिछली लाइन में 32,000, तो 32,000 के कैलकुलेटर पे और मल्टीप्लाइड बाय 1250 कर। ये क्या है, ये क्या बजटेड ओवरहेड्स है, पिछले साल का बजटेड ओवरहेड्स है। तो पिछले साल के बजटेड ओवरहेड्स हैं कितने, बजटेड ओवरहेड्स हैं लास्ट ईयर के, बजटेड ओवरहेड्स हैं 40,000 पर एक्चुअल ओवरहेड्स हैं 41.2 और इन्हीं में 1200 का एक्सपेंडिचर एडवर्स वेरिएंस आया हुआ। अब ये सवाल इस वक्त नहीं है, इस सवाल इस वक्त ये लास्ट ईयर में एक बजट भी है, लास्ट ईयर के बजटेड ओवरहेड्स भी हैं और एक्चुअल ओवरहेड्स भी हैं। नेक्स्ट ईयर के बजटेड ओवरहेड्स बनाने के लिए हम बजटेड से आगे जाएं या एक्चुअल से आगे जाएं, नहीं ये पहला सवाल ऐसा है जो शायद पहले कभी एड्रेस नहीं हुआ। तो नहीं अब कहां से जाएं ये आप जरा नोट कर लीजिए, फर्स्ट टाइम हुआ है। बजटेड से बजटेड में जाएं या एक्चुअल से बजटेड में, मतलब ये एक सवाल है जिसका जवाब मैं देने लगा। यकीनन सर बजटेड और एक्चुअल में डिफरेंस है, लेकिन अब जब नेक्स्ट ईयर आप जाएंगे तो आपका क्या ख्याल है कहाँ से आगे जाना चाहिए, अब जो हो गया है उससे आगे बढ़ना चाहिए, जो होना था और अब क्या होगा उसकी बजाय एक छोटा सा नोट लिखा सर। इफ बोथ, मतलब इस क्वेश्चन में मेरे नजदीक बस ये नहीं आता नई चीज थी, मैंने आपको सवाल सिर्फ इस सेंटेंस के लिए दिया था जो सेंटेंस में अभी आपके सामने लिख लिया। इफ बोथ बजटेड एंड एक्चुअल amounts are available, नहीं इसी बेसिक मेरा इस क्वेश्चन पे लिखा है, चले जहाँ सॉल्व किया करवा, लेकिन कम से कम इस क्वेश्चन से लिंक कर लीजिए ये बात। इफ बोथ बजटेड एक्चुअल अमाउंट्स आर अवेलेबल देन नेक्स्ट ईयर बजट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ previous periods actual, मतलब जो हकीकत है उसको accept करके अब आगे चले। तो मेरी इस बात ठीक है, प्लीज कोई लॉजिकल बात को नहीं कर। अब यहां से मेरे ये बता दें पिछले पीरियड के एक्चुअल ओवरहेड्स फाइनली कितने हैं और पिछले पीरियड के एक्चुअल मशीन आवर्स कितने हैं, हमें दोनों चीजें चाहिए मेरे ख्याल 32,000 ये रुपीज है थाउजेंड्स में मेरे ख्याल और ये आवर्स है। तो हमारे जरा बाकी जो नीचे टेबल बना हुआ ये भी अप्लाई करा था एक मिनट बताइए खर्चे में कोई चेंज पढ़ना है सर, ये मेरे साथ या आखिरी जो दो बुलेट है पहले आराम से पढ़ना है। प्रोडक्शन एंड डिमांड फॉर द रीटा इज एक्सपेक्टेड टू बी इंक्रीज बाय 15%, प्रोडक्शन बढ़ने से कुछ बढ़ेगा सर। EL is intending to buy a new automatic machinery costing 7.3 million to increase the actual efficiency by, ये क्या जी actual efficiency का? फिर time कब लगेगा sir? The new machinery would have a useful life of 8 years with less residual existing fixed overheads other than depreciation expected to increase by 10% additional supervision cost would need to be incurred 70,000 per month. चले जी पहले जरा एक्चुअल ओवरहेड्स को फाइनल करवा दें नेक्स्ट ईयर के बजट में। एक्चुअल कितना 41.2 मिलियन में 10% इजाफा करा दें अदर देन डेप्रिसिएशन करवा दें 12.5 मिलियन तो कहीं कैलकुलेट हो गया होगा आपका कहां
हाँ जी ऊपर एग्जिस्टिंग दिया हुआ 12.5 में, तो ये माइनस क्यों कर दिए क्योंकि अदर देन ने इंक्रीज होगा, तो ये तो हो गया 1.31.57। तो अब इसमें 12,500 जमा कर लो, 12,500 जमा करना है। लेकिन उसके साथ साथ एक और नई मशीन भी है शायद, क्या ये तो नहीं हो रहा पुरानी मशीन की जगह नहीं आनी? वो भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल लिखा ही होगा कि हम नई मशीन लेंगे, तो क्या ये 12,500 अगर इसे लेना ही था तो माइनस क्यों किया? इन्फ्लेशन का इफेक्ट निकाल लो, ये काम काफी दफा हुआ है। देन उसके बाद फिर डेप्रिसिएशन न्यू मशीन कैसे 7.3 मिलियन माइनस 1000 रेजिडुअल वैल्यू रिवीजन डिवाइड बाय 8 7.5 मशीन आर्स फाइनल करो, 32,400 मशीन आर्स थे ये, एक सेकंड ऑनलाइन स्टूडेंट से फिगर समझ आ गई? रिवाइज बजट है, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ नेक्स्ट पीरियड 4, 5, 6, 9, 8 तक आ गए, यहाँ तक क्लियर हो गए? बाकी अब आज में दो चीजें हैं, 15% इजाफा, 15% डिमांड बढ़ने से आर्ज क्यों बढ़ेगा? फिर टाइम ज्यादा लगेगा, जितना टाइम पहले लगेगा 100 लग रहा था तो 115 लगेगा, लेकिन एफिशिएंसी इंप्रूव होने का मतलब 25% कम टाइम लगेगा, तो ये बन जाएंगे शायद 27945, तो फाइनली दोनों डिवाइड होगा। तो बहरहाल इसमें ये वाला पॉइंट था जिसको आपको जरा मेंशन कर लीजिए, जी जी अगर लिख सकते चलो मेरे ख्याल अब तो पास को इस टाइम टाइम देना मुनासिब नहीं है, जरा थोड़ा सा कंपैरेटिव भी फ्रेश माइंड से देना चाहिए, लेकिन अब हमारे पेंडिंग रह गया कि अंदर एग्जामिनर में लिस्ट बना दूंगा, नहीं तो पुराने से जरा तो पास और साहिल वैसे कहां तक हुआ है क्या मसला आगे टारगेट कॉस्टिंग का? यार वो सवाल नंबर एक कल दोबारा करके ऐसे बात करते हैं, कोई क्लास में आने से पहले पहले क्वेश्चन नंबर एक से इतना पढ़ के आए हैं उस पर ना टाइम वेस्ट करो भाई, अब दोबारा देखें उसे, डेफिनेटली अगर जरूरत पड़ेगी तो लगा लेंगे, लेकिन उसको तो मैंने बड़ी दफा देखा है, उसमें क्या मसला है? एक दफा फिर आज नहीं, मतलब मेन ने तीन रह गए ना, चलो वो भी लिख लेता हूँ, 1 question 1 ही है ना, ABC 1 सब आपका तो नहीं कोई क्वेश्चन है, नहीं तो खैर पूरी है, चले बारे में फिर देख लेते, फिर देख लूंगा मैंने देख लिया, मैं अपने पेजी से देखूंगा शायद उस पे है इन्फॉर्मेशन।
अल्लाह हाफिज़।